Hey, what's up guys, Anuj here, और आज फाइनली लेकर गए हम ऑपरेटिंग सिस्टम इन वन वीडियो। आप लोगों को बहुत दिनों से इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो आज ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से पढ़ लेंगे कि आप लोगों के इंटरव्यू के अंदर अगर पूछा गया तो बड़े आराम से आप आंसर कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को इंजीनियरिंग के अंदर एग्जाम्स की तैयारी करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम आने वाला है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, बिकॉज आप लोगों को ऊपर से कंसेप्ट सारे समझ में आ जाने वाले हैं। तो इंटरव्यू स्पेसिफिक हमने सब कुछ कवर किया इसके अंदर, साथ में आपको इसके अंदर मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स। बेसिकली हैंड रिटन नहीं, लिखे मैंने खुद से ही हैं, लेकिन हाँ इसको मैंने टाइप किया है लेकिन ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये मैंने खुद ही बनाए हैं। और बहुत अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से पढ़ने वाले कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि जाके तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा लेकिन वीडियो को लाइक कर दोगे तो दिल को अच्छा लगता है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ OS। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है आपसे, वो ये होता है कि बेसिकली आप लोगों का हार्डवेयर है और आप लोगों के एप्लीकेशन है, उसके बीच में एक इंटरफेस होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सी बात है, हार्डवेयर एज इन आप लोगों के रैम हो गए, मेमोरी हो गई, और इसके अलावा जो स्क्रीन है आपकी वो हो गया, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें आपके हार्डवेयर हैं। और साथ में एप्लीकेशन आपके क्या कहोगे, जो आप चलाते हो, जैसे गूगल क्रोम आप चलाते हो, नोटपैड आप चलाते हो, टर्मिनल आप चलाते हो, ये आपके एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन सीधा बात नहीं करते हार्डवेयर से, एज इन जब आपने कहीं पर कीबोर्ड पर क्लिक किया तो तुरंत वो स्क्रीन पर नहीं दिखता है, तो वो सीधा कीबोर्ड डायरेक्टली बात नहीं कर रहा होता है आपकी स्क्रीन से, एक बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो सारी चीज़ों का ख्याल रख रहा होता है। वो कौन सी चीज़ें होती हैं, वो होती हैं आपकी मेमोरी मैनेज करना, आप लोगों के प्रोसेस के बीच में शेड्यूलिंग करना, इसके अलावा स्पेस, जो डिस्क मैनेजमेंट होता है, सब कुछ मेमोरी में लेके आना, स्वैपिंग करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, ये सारा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे आप लोगों के फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर iOS हो गया अगर आपके पास आईफोन है तो, इसके अलावा आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अलावा लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स आपका बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स यूनिक्स के ऊपर ही बना हुआ था, उसी के ऊपर बेस्ड है बेसिकली, और फिर लिनक्स के ऊपर इसके अलावा और ज़्यादा वेरिएंट्स आते आ रहे हैं, जैसे कि उबंटू हो गया, ये सब आपके लिनक्स के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो यार दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैंने वो सारे टाइप लिखे हुए हैं, विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉयड, iOS, और एक RTOS होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ऐसी एप्लीकेशन में जहाँ पर सीधा हार्डवेयर से बात करनी होती है, तो रियल टाइम में आपको डेटा चाहिए होता है। तो मिलिट्री एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं इसकी, इसके अलावा IoT डिवाइसेस के अंदर यूज़ होता है ये, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेस, मल्टी टास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, थ्रेड क्या होता है। अगर इसका ही नहीं पता होगा तो हम इनको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, प्रोसेस वर्सेस थ्रेड वर्सेस प्रोग्राम, ये क्या होता है। यहाँ पर प्रोसेस और थ्रेड को अभी हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले DSA प्राइम प्रोग्राम को जाकर चेकआउट करना है। codingshuttle.com के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम लाइव हो चुका है, जिसके अंदर आप लोगों को प्लेसमेंट रेडी बनाने का हमारा वादा है 5 महीने के अंदर। प्रोग्राम के अंदर आपको मिलेंगे हाई क्वालिटी लाइव सेशंस, 400+ हैंडपिक प्रॉब्लम्स, प्लेसमेंट असिस्टेंट, और साथ में इंस्टेंट डाउट सपोर्ट। तो जाके अभी के अभी चेकआउट करो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम, जैसे आप लोग जावा के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हो, उसके बाद आप उसे कंपाइल करते हो, एंड देन रन जब कर रहे होते हो उस प्रोग्राम को, तो वो बेसिकली प्रोग्राम है जो आपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये तो बहुत बेसिक हो गया जावा का प्रोग्राम, लेकिन आप लोगों के कंप्यूटर में जितने भी चल रहे होते हैं सॉफ्टवेयर्स, वो सारे कुछ ना कुछ प्रोग्राम से ही बने होते हैं, ठीक है। आप कोई गेम चलाते हो, वो भी एक कोई प्रोग्राम ही है। तो प्रोग्राम्स बेसिकली कुछ मल्टीपल प्रोसेसेस प्रोग्राम के अंदर चल रही होती है, लेकिन प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको फॉलो करता है कंप्यूटर टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, ये होता है प्रोग्राम। अगला होता है प्रोसेस। क्या होता है, प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो जो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, तो प्रोग्राम बेसिकली हो सकता है कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी पड़ा हो। आप लोगों का जो गेम होता है GTA का, वो मैंने देखा 50-50 GB, 60-60 GB के होते हैं, लेकिन आपकी रैम तो 8 GB की होती है या 16 GB की होती है, तो पूरा गेम चल कैसे आता है उसके अंदर। खैर उसकी बात करेंगे वर्चुअल मेमोरी वगैरह की, लेकिन वो प्रोग्राम आपका सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होता है, और जब चलना होता है तो वो प्राइमरी मेमोरी में आता है। तो जो प्रोग्राम जब चल रहा होता है ना, तो उसको कहते हैं कि प्रोग्राम इज अंडर एग्जीक्यूशन, तो उस टाइम पर वो प्रोसेसेस कहलाते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम, तो पूरा प्रोग्राम नहीं, ये प्रोग्राम कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, कि आप लोगों का कंट्रोलर हैंडल करने के लिए एक अलग प्रोसेस है, ऊपर स्कोर कार्ड दिखाने के लिए अलग प्रोसेस है, डिफरेंट काम करने के लिए अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन अब प्रोग्राम का एक छोटा सा इंस्टेंट जो कि अभी फिलहाल एग्जीक्यूट हो रहा है, वो होता है आपका एक प्रोसेस। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हर प्रोसेस का अपना अपना खुद का PCB होता है। PCB मतलब प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, एक छोटा सा ब्लॉक होता है जिसके अंदर उस प्रोसेस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कि ये प्रोसेस कितनी मेमोरी लेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स कौन कौन से रजिस्टर्स, बेसिकली छोटी सी मेमोरी होती है जो बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है।
उसके अलावा इसका प्रोग्राम काउंटर क्या है, इसका खुद का स्टैक होता है, तो हर प्रोसेस का अपना खुद का एक छोटा सा पीसीबी होता है जिसके अंदर उस प्रोसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। दो प्रोसेस आपस में ज़्यादा उलझती नहीं है, तो अगर लेकिन दो प्रोसेस को आपस में बात करनी होती है तो उसे हम कहते हैं आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। दो प्रोसेस को अगर आपस में कम्युनिकेट करना होता है कि अगर ये स्कोर कार्ड है इसको अपने आप को अपडेट करने के लिए यूजर के गेम को देखना पड़ेगा, तो दो प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो बीच में आईपीसी के थ्रू ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसके अंदर होता है क्या, बेसिकली एक बस के थ्रू, एक बस टाइप की मेमोरी होती है जिसके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा लेकिन ऊपर ऊपर से आपको सबको समझाता चलूँगा। इसके बाद थ्रेड। अब थ्रेड बहुत ही कमाल का कंसेप्ट है, बेसिकली एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, थ्रेड अलग अलग काम कर रहे होते हैं, और एक प्रोसेस के अंदर जो अगर मान लो 10 थ्रेड हैं तो वो 10 के 10 थ्रेड जो है वो उस प्रोसेस की मेमोरी को, उस प्रोसेस के पूरा पूरे जो मेमोरी स्टैक है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 10 थ्रेड आपस में शेयर कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस की मेमोरी को। अब अलग अलग थ्रेड बनाने से होता क्या है कि कोई काम है, जैसे मल्टीप्लीकेशन करनी है मुझे, तो मुझे पता है मल्टीप्लीकेशन अगर मुझे करनी है 10 नंबर की, तो 5 नंबर अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 5 नंबर अलग मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा काम बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो बजाय मैं ये करूं कि मैं एक एक करके 10 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, मैं क्या करूंगा, एक टाइम पर दो थ्रेड स्पॉन कर दूंगा कि पांच नंबर्स को एक थ्रेड मल्टीप्लाई करेगा, पांच थ्रेड नंबर्स को एक थ्रेड मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसको हम आपस में जोड़ देंगे। तो जो काम पहले सपोज करो 10 सेकंड में होना था वो काम अब 5 सेकंड में हो गया, बिकॉज मैं मल्टी थ्रेडिंग यूज़ कर पा रहा हूँ। तो इसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, एक प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड को स्पॉन कर सकती है। अब ये आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है, जावा के अंदर आप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो आपके खुद के जो प्रोग्राम होते हैं, C++ के अंदर भी आके थ्रेड्स होते हैं, पी थ्रेड वगैरह, तो आपके प्रोग्राम्स जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स बना सकते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है, एक प्रोग्राम होता है जो आप पूरा का पूरा रन करते हो, उस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं, उन प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। ये समझ में आ गया। तो अब हम समझ में आएगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेस, मल्टी टास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग ये क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टी प्रोसेस एनवायरनमेंट की, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जहां पर मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ चल रही हैं एक सिस्टम के अंदर, उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेस सिस्टम। और आजकल सारे सारे ऐसे होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस चल रही होती हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, और वो आपस में बीच में कम्युनिकेट भी कर रही होती हैं थ्रू आईपीसी, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टीपल प्रोसेस को संभाल रहा होता है। मल्टी प्रोसेस सिस्टम बनाने से फायदा क्या होगा, बेसिकली फायदा ये हुआ कि अब हमारा जो काम है, हमारे अगर 10 काम थे वो 10 काम साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, तो हमें ये नहीं कि एक एक करके वेट करना पड़ेगा, हमारे 10 काम साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। इसको एक बहुत अच्छी एनालॉजी से मैं समझता हूँ जिसके अंदर मेरी मम्मी काम में आती है, वो ये कि जैसे मम्मी खाना बना रही होती है किचन के अंदर, तो मम्मी को आपने देखा होगा कि वो आटा भी गूंथ रही है, ठीक है, इसके अलावा वो सब्जी भी काट रही है, इसके अलावा कुछ हो सकता है ऑलरेडी बन भी रहा हो किचन में, तो वो मल्टीपल काम कर रही होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि वो एक बार में एक काम कर रही होती हैं, वो एक बार में 10 चीज़ें संभाल रही होती हैं, ठीक है। अगर वो एक बार में एक काम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा खाना बनने में, ठीक है, लेकिन आप देखते हो कि नहीं, वो एक बार में बहुत सारे काम कर रही होती है, तो वो वहाँ पर बेसिकली मल्टी प्रोसेसेस काम होता है, ठीक है। इसके बाद मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स जब एक साथ काम कर रहे होते हैं किसी एनवायरनमेंट में, तो उसे हम कहते हैं मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट। ये सब के साथ बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो भी हमने थ्रेड पढ़े थे उसी से मल्टी थ्रेडिंग रिलेटेड है। अ थ्रेड इज अ लाइट वेट यूनिट ऑफ एक्जीक्यूशन दैट कैन रन कंकरेंटली विद अदर थ्रेड विद इन द सेम प्रोसेस, ये समझ में आ गया। थ्रेड शेयर द सेम मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्सेज सच एज फाइल हैंडल्स एंड नेटवर्क कनेक्शंस। मल्टी थ्रेडिंग अलाउ फॉर अ पैरेलल एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस इनेबलिंग बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज एंड पोटेंशियली इंप्रूविंग परफॉर्मेंस बाय डिवाइडिंग टास्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ वर्क दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड करंटली, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, अगर जैसे आप वीडियो रेंडरिंग कर रहे होते हैं तो वीडियो रेंडरिंग के टाइम पे होता क्या है कि हर एक फ्रेम के अंदर बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन चल रहे होते हैं, तभी हम कहते हैं कि बहुत अच्छा अगर सीपीयू होगा, बहुत सारे कोर्स होंगे इसके अंदर, तो आप लोग मल्टी थ्रेडिंग कर पाओगे वहाँ पर, ठीक है। तो हर एक थ्रेड को कुछ कुछ मल्टीप्लीकेशन काम दे दिया जाता है और वो सब मिल के चल रहे होते हैं, तभी वो आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जो GPU होते हैं आपके, GPU आप लोगों के इसीलिए ये CPU इंटेंसिव टास्क को ज़्यादा अच्छे से कर रहे होते हैं GPUs, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल थ्रेड्स सिमिलर टाइप का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो GPU होते हैं वो गेम रेंडरिंग के अंदर भी बहुत अच्छे काम में आ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन चल रहे होते हैं जब भी आपको वीडियो एडिटिंग के बाद रेंडरिंग करनी या फिर गेम चलाने हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट जो होता है, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट आपके काफ़ी सारे काम को कंकरेंटली कर रहा होता है। अगला हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ मेमोरी में लोड कर लिया सो दैट CPU कभी खाली ना बैठा रहे। CPU की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हमें मल्टी प्रोग्रामिंग करनी होती है। अगर हम 10 प्रोग्राम्स को एक साथ CPU में लोड कर लेंगे तो CPU क्या करेगा, पहले एक सेकंड एक प्रोग्राम पे काम करेगा, उसके बाद अगला सेकंड अपना दूसरे प्रोग्राम को दे देगा, फिर अगला सेकंड तीसरे प्रोग्राम को दे देगा, लेकिन एंड यूजर को ऐसा लगेगा कि यार ये सारे काम तो एक साथ कर रहे हैं। अब सपोज करो आप लोगों के लैपटॉप के अंदर आप लोगों ने 50 प्रोग्राम्स चला लिए, ठीक है, अलग अलग, आपका नोटपैड भी चल रहा है, आपका सर्वर भी चल रहा है कहीं पर, मल्टीपल गेम भी चला रहे हो, क्रोम भी चला रहे हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने चला दी हैं,
लेकिन सीपीयू तो आपका सपोज करो एक ही है। अब एक सीपीयू के अंदर हो सकता है आप लोगों ने ऑक्टा कोर से सीपीयू ले रखा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑक्टा कोर ले रखा हो तो 8 से ज़्यादा प्रोसेस तो तब भी चल रही है ना उसके अंदर, वो कैसे हो पा रहा है? वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो एक बार में बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर रहा है मल्टीपल प्रोसेस के बीच में, इसको भी काम करने के लिए देता है, फिर अगले प्रोसेस को भी काम करने देता है, फिर अगले प्रोसेस को भी, तो अलग अलग प्रोसेस के बीच में आपका जो सीपीयू स्विच करता रहता है और आपको ऐसा इल्यूजन मिलता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। और उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है मल्टीटास्किंग। टास्क बेसिकली प्रोग्राम्स का एक बड़ा बड़ा समझ लो कि टास्क मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। तो जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं बेसिकली आपका कंप्यूटर जो मल्टीपल टास्क एक साथ जब कर रहा होता है वही सेम चीज़ स्विचिंग कर करके एक अलग अलग प्रोसेस के बीच में स्विच कर करके जब वो बहुत सारे काम कर रहा था उसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो आप समझ सकते हो कि मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग एकदम सिमिलर सा ही है। मल्टीटास्किंग इज अ टेक्निक दैट अलाउज मल्टीपल टास्क और प्रोसेस टू रन कंकरेंटली ऑन अ सिंगल सीपीयू। द सीपीयू टाइम इज डिवाइडेड अमंग द टास्क गिविंग द इल्यूजन ऑफ पैरेलल एग्जीक्यूशन। वही बात है। तो हमें यहाँ पर आई थिंक ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, थ्रेड समझ में आ गया होगा, इसके अलावा मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग क्या होता है, ये सारे सिमिलर से ही काम है। तो अगर आ ही गया है तो हम आगे मूव करते हैं और हम बात करते हैं वेरियस प्रोसेस स्टेट्स के बारे में। तो जब भी आप लोगों ने किसी प्रोग्राम को चलाया, सपोज करो मैंने चलाया नोटपैड को, मैंने डबल क्लिक किया नोटपैड के ऊपर और मेरा नोटपैड चल रहा है, तो मेरे मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलनी स्टार्ट हो जाते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस स्पॉन होने लग जाती हैं। ये स्पॉन कौन कर रहा है? वो प्रोग्राम, नोटपैड वाला प्रोग्राम ही है जो ये सब स्पॉन कर रहा है। तो प्रोसेस के मल्टीपल स्टेट्स होते हैं कि जब सबसे पहले तो प्रोसेस हमारी होती है एक न्यू स्टेट के अंदर कि अभी अभी प्रोसेस हमारी बनी ही है, ये प्रोसेस अभी हमारी बनी है और अब जब ये रेडी हो जाएगी तब हम इसको एग्जीक्यूशन के लिए आगे भेज रहे होंगे। तो हमारी जब नई नई प्रोसेस होती है तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट कर दिए जाते हैं, इसको बेसिकली अपना इसका खुद का एक पीसी भी बना दिया जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बना दिया जाता है। तो अभी फिलहाल इसका इनिशियलाइजेशन हुआ इस प्रोसेस का, उसके बाद ये प्रोसेस जाती है रेडी स्टेट के अंदर कि नाउ आई एम रेडी, अब मेरा काम हो गया, मेरा इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, नाउ आई एम रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड कि अब आप मेरे को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फिर वो रेडी स्टेट में चली जाती है। रेडी के बाद जो शेड्यूलर होता है वो शेड्यूल करता है प्रोसेस को और उसको रन स्टेट में डाल देता है। रन का मतलब कि अभी फिलहाल ये सीपीयू जो है वो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, सीपीयू ने अपना कीमती टाइम जो है वो इस प्रोसेस को दे दिया और अभी फिलहाल ये प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस रन हो रही है। अब रन होने के बाद हो सकता है कि जो प्रोसेस है वो किसी और काम में लग जाए। जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, जैसे सब उसको आपने सी का कोई प्रोग्राम लिखा, जैसे आप लोगों ने लिखा वो जीसीसी करके आपने प्रोग्राम रन किया कंपाइलर के अंदर और आपने सब उसको उसके अंदर एक सी इन किया हुआ है, इनपुट ले रहे हो यूज़र से, तो वहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है क्योंकि वो आपके इनपुट का वेट कर रहा होता है। तो जब आईओ ऑपरेशन होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो होते हैं, उस टाइम पे वो प्रोसेस तो चल नहीं रही है, तो सीपीयू वहाँ पर वेट तो करेगा नहीं कि भाई ये प्रोसेस जब खत्म होगी तब मैं इसके साथ ही आगे बढ़ूंगा, नहीं, सीपीयू को और भी प्रोसेसेस देखनी है। तो सीपीयू क्या करता है उस टाइम पर, उस प्रोसेस को डालता है वेट स्टेट के अंदर। सीपीयू बोलता है सुनो भाई आईओ रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा करो वेट स्टेट में चले जाओ, जब आपका आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा से आपको रन कर दूंगा, ठीक है। तो सीपीयू उस टाइम पर उसको वेट स्टेट में डाल देता है। अब वेट स्टेट के बाद जब आईओ ऑपरेशन कंप्लीट होता है, जब सपोज करो आपने लिख दिया जो भी लिखना था, अपना नाम लिखना था सपोज करो, एंड देन जब आपने एंटर किया तो ठीक है, प्रोसेस दोबारा से रेडी स्टेट में चले जाएगी, ठीक है मेरा आईओ कंप्लीट हो गया, नाउ आई एम अगेन रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। तो शेड्यूलर दोबारा से आएगा, शेड्यूलर अपनी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के हिसाब से शेड्यूल कर रहा होता है। अभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात कर रहे होंगे तो शेड्यूलर धीरे धीरे करके सभी प्रोसेस को शेड्यूल करेगा ही। तो जैसे हमारा आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हुआ अगेन रेडी स्टेट में आ गया और रेडी स्टेट के बाद जब भी शेड्यूल होना होगा इस प्रोसेस को वो हो जाएगी, दोबारा से रन स्टेट में जाएगी। अगर दोबारा से आईओ ऑपरेशन करना होगा तो आईओ ऑपरेशन के लिए दोबारा से सीपीयू उसको वेट स्टेट में डाल देगा, सो दैट वो अगली प्रोसेस को अपना टाइम दे सके। इस तरीके से हमारी प्रोसेस चलती रहती हैं और उसके बाद वो कंप्लीशन में चली जाती हैं। अगर हमारी प्रोसेस पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई, आपका प्रोग्राम पूरा का पूरा रन हो गया, तो प्रोसेस पूरी कंप्लीट, अब वो प्रोसेस हमारी फिर टर्मिनेशन स्टेट में चली जाती है। अब लेकिन इसके अलावा दो स्टेट और होती हैं जो आप देख लोगे, एक सस्पेंड वेट है और एक सस्पेंड रेडी है। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज करो आपकी जो प्रोसेस है वो बहुत देर से यहाँ पर वेट कर रही है आपके आईओ ऑपरेशन का, अब वो वेट क्यू है जो है वो बड़ा होता जा रहा है क्योंकि जो वेट क्यू है एक यहाँ पर वेटिंग क्यू होती है, ठीक है, बड़ी सी क्यू होती है जिसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस आती जाती हैं P1, P2, P3 करके, तो वेट क्यू बड़ी लंबी होती आती है। तो वेट क्यू बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ये जो वेट क्यू है ये भर भी जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस बहुत देर से वेट कर रही है उस प्रोसेस को ऐसा करो भारी निकालो एकदम ही और उसको डाल दो सस्पेंड स्टेट के अंदर, सस्पेंड वेट में, कि जब सस्पेंड वेट में पड़ी रहेगी ये, अगर सस्पेंड वेट में बहुत दिनों तक पड़ी रहेगी तो वहाँ से भी इसको हम किल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एक सस्पेंड वेट होता है और उसके बाद एक सस्पेंड रेडी होता है।
कि जब सस्पेंड रेडी, जब प्रोसेस कंप्लीटेड, आईओ बट स्टिल इन सस्पेंड, अब उसने आईओ तो कंप्लीट कर लिया लेकिन अभी भी सस्पेंड स्टेट के अंदर ही है, तो उस केस में सस्पेंड रेडी में चली जाती है। कि सपोज करो आपने इसको एक एंटर दबाना था बस यहाँ पर, लेकिन आप एंटर नहीं दबा रहे थे बहुत देर से, जैसे आपने एंटर दबाया तो प्रोसेस अभी भी लेकिन सस्पेंड स्टेट में ही है, लेकिन नाउ इट इज़ रेडी, तो सस्पेंड रेडी में चली जाती है। और सस्पेंड रेडी के बाद वो रिज्यूम होकर दोबारा से रेडी में जा सकते हैं, फिर रेडी के बाद दोबारा से वो डिस्पैच होकर रन स्टेट में आ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा पूरा मल्टीपल प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात और कि जब आईओ रिक्वेस्ट होती है तब तो आपकी प्रोसेस वेट स्टेट में जाती है, लेकिन इसके अलावा एक अगर हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है जिसको सीपीयू का टाइम चाहिए, तब भी आपकी कन जो भी फिलहाल प्रोसेस जो चल रही है रन स्टेट में, उसको दोबारा से वेट स्टेट में डाला जा सकता है, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस वो होती है जैसे कि किसी सीपीयू को जो चलने के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो सीपीयू की खुद की कुछ प्रोसेस होती हैं जो कि जिनके ऊपर यूज़र का, हमारा एंड यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो चलना ज़रूरी होती है वरना आपका कंप्यूटर बैठ जाएगा, कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा। तो अगर ऐसी किसी प्रोसेस को चलना है अभी के अभी, तो वो जो अभी फिलहाल रन हो रही है प्रोसेस, उसको वो टर्मिनेट स्टेट में भी डाल सकता है, सस्पेंड स्टेट में डाल सकता है, ठीक है, वेट कर सकता है। और अभी इस प्रोसेस को, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को चलना है तो वो पहले हाई प्रायोरिटी प्रोसेस चलेगी, उसके बाद फिर जो दूसरी प्रोसेस चलनी थी वो चलती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो प्रोसेस है वो वेट क्यू में डलती रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। तो ये बीच में जो शेड्यूलिंग वाला काम था ना, कि आपकी रेडी स्टेट से रन स्टेट में डालने वाला काम, ये आपका एक शेड्यूलर कर रहा होता है। तो शेड्यूलर जो है वो अलग अलग तरीके से करता है, हमें पता कर चला कि बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी है, कि कौन सी वाली प्रोसेस को हम सबसे पहले चलाएं, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स बनती हैं हमारी। तो पहली एल्गोरिथम तो यही है, बहुत सिंपल सी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो प्रोसेस पहले आएगी उसको प्रोसेस को पहले चला दो और उसको सर्व कर दो पहले ही। तो ये तो बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम होती है, जो प्रोसेस पहले आई उसको हमने पहले चला दिया। लेकिन इस प्रोसेस की वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये कि अगर सपोज करो एक बहुत लंबी प्रोसेस आ गई जो कि बहुत बड़ी प्रोसेस है, तो उसके पीछे अगर 50 छोटी छोटी प्रोसेस है ना, तो वो नहीं चल पाएंगी, और हमें लगे कि जो 50 छोटी प्रोसेस है उनके ऊपर सर्कल बस घूमता रहेगा। ठीक है, लोडर घूम रहा है आपका, कि ये छोटी छोटी प्रोसेस चल नहीं पा रही क्योंकि एक बड़ी प्रोसेस अभी फिलहाल चल रही है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर इस टाइप की स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम होती है। अगली होती है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, या फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कि जो सबसे छोटा जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है ना, प्रोसेस के अंदर बर्स्ट टाइम होते हैं, बर्स्ट टाइम मतलब जितने टाइम के लिए इसको सीपीयू चाहिए, अगर सबसे छोटा बर्स्ट टाइम वाली कोई प्रोसेस आ रही है, अगर हमें लग रहा है कि यार ये तो बहुत छोटी सी प्रोसेस है, इसमें मुश्किल से एक मिली सेकंड लगना है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे एक एक सेकंड, दो दो सेकंड जो कर रहा हूँ वो बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना लंबा टाइम नहीं लगता है प्रोसेस को, प्रोसेस को मिली सेकंड, नैनो सेकंड्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे फ्रेम में चल रही होते हैं, हम ह्यूमंस को पता भी नहीं चलता कि हमारे सिस्टम में इतनी सारी प्रोसेसेस चल रही होती है, सबको एक एक सेकंड नहीं मिलते, मिली सेकंड का काम होता है। ठीक है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगला शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के अंदर बेसिकली होता है कि कोई छोटी प्रोसेस आई है उसको जल्दी से करके खत्म करो, आगे निकलो, तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एक एल्गोरिथम होती है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी अगेन स्टारवेशन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर छोटी छोटी प्रोसेसेस को ही हम डालते देंगे तो फिर जो बड़ी प्रोसेस होगी वो कब चलेगी भाई, वो प्रोसेस तो बस वेट करती रहेगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी इसमें भी प्रॉब्लम है। अगली है हमारी राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन थोड़ी सी ठीक एल्गोरिथम है। राउंड रॉबिन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कुछ क्वांटा में डिवाइड कर देते हैं हम अपने टाइम को, सीपीयू के टाइम को, और हम बोलते हैं कि हर प्रोसेस को इतना इतना टाइम मिलता रहेगा सर्कुलर फैशन में। कि सपोज करो यहाँ पे 10 लोग हैं, पहले बंदे को 2 सेकंड का टाइम दिया गया, बाहर निकालो वापस एंड में डाल दो क्यू के, दूसरे बंदे को 2 सेकंड का काम दिया, दोबारा से क्यू में पीछे डाल दो, तीसरे बंदे को पीछे क्यू में डालो, इस तरीके से हर बंदे को 2-2 सेकंड का टाइम देते रहो राउंड रॉबिन फैशन के अंदर, और इस तरीके से प्रोसेसेस कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है कि इससे सारी सारी प्रोसेस, छोटी हो प्रोसेस हो या बड़ी प्रोसेस हो, सबको बढ़िया बराबर बराबर टाइम मिलता है। लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है भैया, तो राउंड रॉबिन के अंदर ये प्रॉब्लम है कि अगर एक प्रोसेस ऐसी है जो कि बहुत हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस है, जिसको अभी के अभी सीपीयू चाहिए वरना सिस्टम बैठ जाएगा, तो वो राउंड रॉबिन में बेसिकली वेट करती रहेगी अपने नंबर आने का। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम है। तो अगली आ जाती है फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ये कहती है कि भाई सुनो, मैं सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस हूँ, मेरी जो प्रायोरिटी है P0 है, मतलब हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस हूँ, मुझे सबसे पहले एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो इसके अंदर हम प्रायोरिटी वाइज चल रहे होते हैं, सबसे पहले हम हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को शेड्यूल कर रहे होते हैं, उसके बाद लोअर प्रायोरिटी को, उसके बाद सबसे लोअर प्रायोरिटी को। इसमें भी लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये कि जो बहुत कम प्रायोरिटी की प्रोसेस है वो बेचारी उनका टाइम ही नहीं आ पाएगा, जो हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस है वही चलती रहेंगी, तो लो प्रायोरिटी की प्रोसेस कभी चल ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो फिर एक बढ़िया तरीका निकाला गया, विच इज़ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग ये कहता है कि हम मल्टीपल क्यूज बना लेंगे अलग अलग प्रायोरिटी के हिसाब से। तो अब बेसिकली हुआ क्या, हम राउंड रॉबिन फैशन में भी चलेंगे और साथ में प्रायोरिटी क्यू वाले फैशन में भी चलेंगे। बेसिकली करेंगे क्या हम, कि जो P0 वाली प्रोसेस है, P0 मतलब बहुत टॉप हाई प्रायोरिटी की जो प्रोसेस है, उनकी एक अलग क्यू बनेगी और उनके अंदर राउंड रॉबिन होता रहेगा। एक P1 वाली प्रोसेस होगी, P1 मतलब जो उससे थोड़ी लो प्रायोरिटी की प्रोसेस है, उनके अंदर एक क्यू बनेगी, उनके अंदर भी राउंड रॉबिन होता रहेगा। P2 वाली प्रोसेस होंगी, उनके अंदर भी राउंड रॉबिन होता रहेगा। तो बेसिकली हाइब्रिड हो गया, और हाइब्रिड की वजह से हम यहाँ पर
मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग कर पा रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका इसी को माना जाता है। इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज़्यादा इजी तो वैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही थी इंप्लीमेंट करने में, लेकिन थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन हार्ड करके हम यहाँ पर इजीली अपना काम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस अप्रोच अलाउज फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोसेस बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड टास्क। ईच क्यू कैन यूज अ डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सच एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर राउंड रॉबिन। तो ये जो क्यूज हैं इनमें जरूरी नहीं है राउंड रॉबिन चले, इनमें हो सकता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी लगा दिया आपने या फिर इनके अंदर आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगा दी, वैसे यूजुअली राउंड रॉबिन ही लगा रहे होते हैं। इसके बाद अगली हम बात करेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की। तो ये हमारी प्रोसेसेस के बारे में बहुत ही बेसिक डिस्कशन था अभी तक, लेकिन अब हम मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ चल रही हैं सिस्टम के अंदर, राइट। तो जब वो मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ चल रही होती हैं तो वो कुछ रिसोर्सेज को आपस में शेयर भी कर रही होती हैं कि एक छोटा सा रिसोर्स है बेसिकली, एक सपोज करो मेमोरी का छोटा सा पार्ट है, या फिर अगर हम बड़े रिसोर्स की बात करें तो एक सपोज करो प्रिंटर है पूरा का पूरा। तो दो तीन प्रोसेसेस एक प्रिंटर को शेयर कर रही हैं, एक रिसोर्स को शेयर कर रही हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि वो एक दूसरे में घुस जाएं और कुछ इनकंसिस्टेंसी पैदा कर दें। अब एक बंदा सपोज करो रसगुल्ले भी बना रहा है और बूंदी का लड्डू भी बना रहा है, अगर वो बना रहा है तो हो सकता है कभी कभार बीच में इंग्रेडिएंट वो मिक्स कर दे गलती से। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमारी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। वो ये, द क्रिटिकल सेक्शन रिप्रेजेंट्स अ पोर्शन ऑफ कोड और ब्लॉक वेयर प्रोसेस और थ्रेड एक्सेसेस अ शेयर्ड रिसोर्सेज सच एज वेरिएबल फाइल और डेटाबेस। तो बेसिकली सपोज करो कि ये P1 है और ये P2 है और यहाँ पर हमारा कोई रिसोर्स है, ठीक है, ये R है। अब ये R रिसोर्स को P1 और P2 दोनों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको भी चाहिए P1 को भी, ये P2 को भी चाहिए। अब लेकिन इस कोड में एक बीच में एक ऐसा क्रिटिकल पार्ट आ रखा है कि जिसको अगर दोनों ने एक साथ मिलके एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया तो डेटाबेस के अंदर इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, ठीक है। तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि पहले P1 ही इसको एग्जीक्यूट कर पाए, P1 ही इस पर चले, और फिर P2 या फिर कोई और प्रोसेस जो है वो इस छोटे से पार्ट को, इस पार्ट को एक्सेस ना कर पाए। इस पार्ट को हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ये क्रिटिकल सेक्शन है, इसके अंदर एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस जानी चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको क्रिटिकल सेक्शन। तो यहाँ पर हम लगा देंगे लॉक। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या क्या तरीके होते हैं लॉक वगैरह लगाने के, तरीके होते हैं कि एक प्रोसेस जब जाती है क्रिटिकल सेक्शन में तो वो लॉक लगा देती है। क्रिटिकल सेक्शन हमारे कोड के अंदर काफ़ी सारी जगहों पर हो सकते हैं और हम चाहते हैं जब भी क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस जाए तो वहाँ पर एक बार में एक ही प्रोसेस जाए, बाकी सारी प्रोसेस उस टाइम पर उस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। अगर एग्जाम्पल समझना है क्रिटिकल सेक्शन का एक और, तो ये समझो कि आपका बैंक है, अब बैंक के अंदर जब आपके अकाउंट से पैसे कट रहे होते हैं उसी टाइम पर सपोज करो आपने किसी और बंदे को पैसे दे भी दिए, तो अभी आप लोगों के अकाउंट से पैसे कटे भी नहीं और तुरंत आप लोगों ने उसी टाइम पर किसी और बंदे को अकाउंट से पैसे दे भी दिए, अगर दोनों के दोनों प्रोसेस जो हैं वो एक साथ चल जाएं उसी आपके टोटल अमाउंट वाले वेरिएबल के ऊपर तो कितनी ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, आपका टोटल अमाउंट जो है वो वेरी कर सकता है। तो होता क्या है कि आपका जो टोटल अमाउंट वाला वेरिएबल है उसके ऊपर लगा दिया जाता है लॉक की इस वाले चीज़ पर सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्सेस करेगी इसको, ठीक है। ये रीड लॉक होता है, राइट लॉक होता है, म्यूटेक्सिस होते हैं, सेमाफोर्स होते हैं, ये सब अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन हाँ क्रिटिकल सेक्शन समझ में आ गया होगा। बेसिकली ऐसा सेक्शन जिसके अंदर हम नहीं चाहते एक बार में दो प्रोसेस घुसें। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्या पड़ती है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल दैट हेल्प्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ व्हीकल्स एट एन इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन के ऊपर अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाला या फिर प्रॉपर रेड लाइट वगैरह नहीं लगी हुई है तो भाई गाड़ी आपस में ठुकती रहेंगी। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग इट रेफर्स टू टेक्निक्स एंड मैकेनिज्म यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस और थ्रेड सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर हार्मोनियसली। हार्मोनियसली काम करना जरूरी है और हम नहीं चाहते कि एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस चले और बाकी सारी प्रोसेस वेट करें चलने का, नहीं। अगर ऐसा होगा तो सारे सारे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। हमारे कंप्यूटर में होता है एक ही प्रोसेस, एक ही प्रोसेसर, लेकिन एक प्रोसेसर एक बार में 100 प्रोसेसर को भी चला सकता है, ठीक है। तो चलाने की काबिलियत है उसके अंदर, हमें अपने CPU को पूरे टाइम पर यूटिलाइजेशन उसकी हाई रखनी होती है। लेकिन अब ऐसा कर रहे हैं तो मल्टीपल प्रोसेस आपस में बात भी करेंगी, आपस में बात करेंगी, एक साथ मल्टीपल रिसोर्सेज को शेयर करेंगी तो वहाँ पे वो ठुक सकती हैं, ठीक है, जैसे इंटरसेक्शन पे गाड़ियाँ ठुक सकती हैं। तो इसीलिए हमें वहाँ पर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इमेजिन मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड वर्किंग ऑन डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर्स दैट दे कोऑपरेट एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योर प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। समझ में आ रहा है, इट हेल्प्स प्रिवेंट इशूज़ लाइक रेस कंडीशन, डेटा इनकन्सिस्टेंसी और डेड लॉक दैट कैन अराइज वैन मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड एक्सेस शेयर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। तो मल्टीपल इशूज़ आ जाते हैं, रेस कंडीशन, एक ही रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस करने का ट्राई कर रही हैं, या फिर डेड लॉक्स की मतलब अब सिस्टम आगे बढ़ेगा ही नहीं, डेड लॉक वगैरह की बात अभी हम करेंगे। डेटा इनकन्सिस्टेंसीज जो मैं बता रहा था कि आपका जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है बैंक के अंदर वो इनकन्सिस्टेंट हो गया,
तो इस टाइप के इश्यूज ना अराइज हो, इसलिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होता है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए, अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कराना है तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग आते हैं टूल्स, लेकिन जो भी टूल्स या फिर जो भी मैकेनिज्म कह लो, उनको कुछ रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल करना ही करना होगा, वरना प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगी। और वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। ये तीन रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल होनी ही होनी चाहिए, कोई भी मैकेनिज्म आप बना रहे हो वो तीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। तो पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि भाई अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस जा रही है तो एक बार में एक ही प्रोसेस होगी जो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेगी, दूसरी प्रोसेस नहीं घुस सकती उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो ये तो होना ही चाहिए, अदरवाइज डेटा इनकंसिस्टेंसी वगैरह जो भी इश्यूज मैंने पहले बताए थे वो सब हो सकते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो उस सॉल्यूशन को सुनिश्चित करना ही करना चाहिए। अगला ये कहता है कि प्रोग्रेस भी होती रहनी चाहिए। प्रोग्रेस कहता है कि भाई जो भी आप मैकेनिज्म बना रहे हो ना सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, वो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम एक प्रोसेस तो आपकी क्रिटिकल सेक्शन में जानी चाहिए जब उसका मन करे जाने का। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेडलॉक हो रखा है, प्रोसेस जाना तो चाहती है क्रिटिकल सेक्शन में लेकिन डेडलॉक वगैरह हो गया और प्रोसेस जा नहीं पा रही है। तो प्रोग्रेस पूरे टाइम होती रहनी चाहिए। और तीसरा है बाउंडेड वेटिंग, कि अगर कोई प्रोसेस बाहर वेट कर रही है क्रिटिकल सेक्शन में जाने का तो इट शुड बी बाउंडेड। ये जो वेटिंग टाइम है ये बाउंड होना चाहिए, मतलब अपर बाउंड होना चाहिए इसके अंदर, कि ये नहीं कि मैं इनफिनिटली वेट करती रहूंगी, मेरे को बता दो कि मैं कब जा सकती हूँ क्रिटिकल सेक्शन में, भले ही लंबा वेट करा दो मेरे से लेकिन बाउंडेड वेट कराओ मेरा। ऐसा नहीं मेरे को इनफिनिटली आप छोड़ दो कि भाई तुम वेट करते रहो और मैं यहाँ पे स्टार हो जाऊँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें अगर आप लोगों ने सुनिश्चित कर दी तो आप कह सकते हो कि आप लोगों ने एक बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म बना लिया है, जो कि मल्टीपल प्रोसेस अगर जिसमें क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे भी तो भी कुछ सिस्टम फटेगा नहीं हमारा। अब फिर ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं भैया जिसके अंदर ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, तो उनकी अब हम बात कर लेते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म जिनके अंदर ऊपर वाला जो अभी हमने ये तीन क्राइटेरियाज पढ़े थे, तीन रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, इनका ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले लॉक्स या फिर म्यूटेक्सेस। म्यूटेक्सेस बेसिकली म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कंबाइन करके म्यूटेक्स बना दिया, या फिर लॉक। तो मैं कह रहा था ना कि जैसे सपोज करो P1 को जाना था, यहाँ पे P1 ने क्या कहा, P1 ने लगा दिया लॉक। तो एक लॉक सिस्टम बना रखा है कोड में ही आपने, कि जब P1 जा रहा है तो P1 ने लगा दिया उसके ऊपर लॉक, और P1 अब घुस चुका है क्रिटिकल सेक्शन में, तो अब अगर कोई और प्रोसेस घुसने का ट्राई करती है तो उस वेरिएबल को या फिर उस लॉक को चेक किया जाता है कि क्या लॉक लगा हुआ है इसके उसके ऊपर। अगर लॉक लगा हुआ है तो हम वेट करते रहेंगे, यहाँ पे हम बार बार आपसे पूछते रहेंगे, मे बी पोलिंग करते रहेंगे आपसे बार बार कि अब हम जा सकते हैं क्या, अब हम जा सकते हैं क्या। और जब फिर P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन में काम करके अपना निकल जाती है तो हम लॉक को रिलीज़ कर देंगी, वो P1 जाते टाइम लॉक को रिलीज़ कर देगी। तो अब लॉक रिलीज़ हो चुका है, तो जब अगली पोलिंग के अंदर P2 बोलेगा कि अब मैं जा सकता हूं, तो देखिएगा कि अब तो लॉक रिलीज़ हो चुका है, तो अब मैं पहले लॉक लगाता हूं और अब P2 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके को कहते हैं हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और इसको इंप्लीमेंट करने के काफ़ी सारे कोड में तरीके होते हैं, वो आप जाके पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ बेसिकली फंडा यही होता है। अगला हम बात कर लेते हैं सेमाफोर्स की। सेमाफोर्स भी बेसिकली लॉक लगाने का ही तरीका होता है, लेकिन इसके अंदर आपके दो टाइप के लॉक होते हैं। एक हो सकता है बाइनरी लॉक हो, जिसके अंदर आप लोग सिर्फ दो प्रोसेस को अलाउ करोगे, या तो लॉक्ड है या फिर अनलॉक्ड है। या फिर इसके अलावा इसके अंदर काउंटिंग सेमाफोर्स भी होते हैं, जिसके अंदर आप लोग मल्टीपल प्रोसेसेस को बोल सकते हो कि सुनो 5 प्रोसेस आ सकती हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, या फिर 4 प्रोसेस आ सकती हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, जिसमें आप काउंट डिफाइन कर सकते हो, सो दैट बहुत सारी प्रोसेसेस को वेट ना करना पड़े। तो सेमाफोर्स होता है जो यूजुअली यूज़ किया जाता है, इसके अंदर काउंटिंग सेमाफोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा है काउंटिंग सेमाफोर्स अलाउज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोसेस और थ्रेड टू एक्सेस अ शेयर्ड रिसोर्स साइमल्टेनियसली। सेमाफोर्स प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सिग्नलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। सिग्नलिंग का मतलब कि जब मैं जा रहा हूँ क्रिटिकल सेक्शन से तो मैं सिग्नल कर दूंगा कि हाँ भाई बाकी सारे आ जाओ, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन तो हो ही रहा है। ठीक है, और अगला है रीड राइट लॉक। अब रीड राइट लॉक क्या कहता है कि बेसिकली इंपॉर्टेंट तो ये भी है, ये कहता है कि हम रीड करने के लिए मल्टीपल लोगों को आने देंगे लेकिन राइट करना है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए भाई। कि रीड करने के लिए अगर आ रहे हो तो 10 लोग भी आ जाओ रीड करने के लिए। अब जैसे सपोज करो एक पेंटिंग है, पेंटिंग लगी हुई है, तो उस पेंटिंग को देख तो 10 लोग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर काम हो रहा हो तो एक बार में एक ही पेंटर काम करेगा उसके ऊपर, 10 पेंटर काम करेंगे एक बार में तो दिक्कत हो जाएगी पेंटिंग के अंदर। ठीक है, तो रीड करना है तो कर लो जितने मर्जी आके रीड, लेकिन राइट करने के टाइम पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आप रीड राइट टाइप के लॉक भी लगा सकते हो, और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, प्रोग्रेस होगा और बाउंडेड वेटिंग होगी। तो ये आपके वो तरीके हो गए। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बात करते हैं डेडलॉक की। डेडलॉक का मतलब क्या है? डेडलॉक का मतलब ऐसा कि बस आप अटक गए और आप कुछ भी काम नहीं हो सकता। जैसे कि इसको बहुत एक अच्छे एग्जांपल समझते हैं कि सपोज करो आपको एक कंपनी में जाना है, प्लेसमेंट पानी है, और वहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो बोलता है कि सुनो भाई तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, पहले एक्सपीरियंस गेन करके आओ तब हम तुम्हें लेंगे। और फिर आप दूसरी कंपनी में आते हो, वो भी ये बोलता है कि आप पहले एक्सपीरियंस गेन करके आओ तब आपको लेंगे। तो इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए आपको प्लेसमेंट भी चाहिए, लेकिन प्लेसमेंट के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो डेडलॉक लग गया, आपकी प्लेसमेंट नहीं लग पा रही। इस तरीके से ही सपोज करो एक प्रोसेस है P1, इसने एक रिसोर्स R1 को पकड़ा हुआ है
और इसको नहीं छोड़ेगी ये, क्योंकि इसको ज़रूरत है इसकी, लेकिन इसको R2 भी चाहिए काम करने के लिए। अब P2 ने R2 को पकड़ा हुआ है कि मैं नहीं छोड़ूंगा R2 को, लेकिन मुझे R3 भी चाहिए काम करने के लिए। अब P3 ने R3 को पकड़ा हुआ है कि मैं R3 को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे R1 चाहिए। तो यहाँ पर एक तरीके से एक सर्कल बन गया है और कोई रिसोर्स को छोड़ भी नहीं रहा, क्योंकि रिसोर्स तो तब छोड़ेगा ना जब काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगले रिसोर्स को भी वो ट्राई कर रहा है एक्सेस करने का, लेकिन वो अगला रिसोर्स किसी और प्रोसेस ने पकड़ रखा है। तो इस तरीके से जब एक सर्कल बन जाता है इस तरीके से, तो डेडलॉक लग जाता है और अब हमारा सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस टाइप की सिचुएशन भी अराइज हो सकती है जब हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस एक साथ काम कर रही हैं और शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करने का ट्राई कर रही हैं, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डेडलॉक। अब डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस वेट्स फॉर अ रिसोर्स दैट इज बीइंग असाइन टू अनदर प्रोसेस। इन दिस सिचुएशन नन ऑफ द प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड सिंस द रिसोर्स इट नीड्स इज हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस दैट इज ऑल्सो वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्स टू बी रिलीज्ड। वही सेम चीज़। तो भैया अब डेडलॉक अगर करवाना है आपको, तो डेडलॉक के लिए क्या क्या कंडीशन होती है जिससे कि डेडलॉक लग जाएगा एक सिस्टम के अंदर। डेडलॉक बहुत बुरी बात होती है, ठीक है। कई सारे सिस्टम अभी हम देखेंगे डेडलॉक हैंडलिंग किस तरीके से होती है। तो आपके विंडोज़ के अंदर तो ये होता है कि डेडलॉक अगर आ गया सिस्टम के अंदर तो बंद कर दो, क्रैश कर दो सिस्टम को, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, यूज़र रिस्टार्ट कर लेगा सिस्टम। तो नीड नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, डेडलॉक सिर्फ तभी हो सकता है जब ये चार कंडीशन एक साथ मीट हो रही हो, ठीक है। ये चार कंडीशन अगर एक साथ मीट होंगी तभी डेडलॉक होगा, अदरवाइज डेडलॉक नहीं होगा। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, मेरे से एक्चुअली अमेजॉन के इंटरव्यू में पूछ लिया था कि डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तो यही वो चार कंडीशन है। इन चारों का अगर एक साथ हो गई तो डेडलॉक लग जाएगा, अदरवाइज डेडलॉक नहीं लगेगा। अगर इनमें से एक भी नहीं हुई तो डेडलॉक नहीं लगेगा। चार कंडीशन कौन सी है? पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूशन ऐसा है मतलब कि एक रिसोर्स के ऊपर एक बार में एक ही प्रोसेस आ सकती है, दूसरी प्रोसेस उसको उस टाइम पर शेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर एक रिसोर्स को एक प्रोसेस ने पकड़ा हुआ है तो दूसरी प्रोसेस उस रिसोर्स को नहीं लेगी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रखा है। अगला होल्ड एंड वेट, कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और दूसरी रिसोर्स का वेट कर रही है, तो होल्ड एंड वेट। नो प्रीएम्प्शन, कि जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक रिसोर्स को छोड़ेगी नहीं, वो प्रीएम्प्टिवली नहीं छोड़ेगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी मेरा काम नहीं हुआ लेकिन मैं तब भी जाओ छोड़ो रिसोर्स को छोड़ देती हूँ, अगर नो प्रीएम्प्शन वाला सिस्टम बना रखा है तो। और इसके बाद सर्कुलर वेट, कि जब ये इस तरीके का जो वेट है वो सर्कुलर फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सर्कुलर वेट हो गया ना, देख रहे हो ये जो वेट वाला जो आपका जो पूरा का पूरा ये जो एरो बन रखा है, ये जो ग्राफ है, ये एक तरीके से सर्कुलर वेट कर रहा है। ये चारों की चारों चीज़ें जब एक साथ होंगी तब आप लोगों का डेडलॉक अराइज हो जाएगा, ठीक है। इनमें से अगर एक भी कंडीशन नहीं होगी, सपोज करो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को आपने हटा दिया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हटाने का मतलब ये कि आप लोगों ने बोल दिया भाई सुनो हमारा सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेस सेम रिसोर्स को शेयर कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब यहाँ पर ये P1 आराम से अपना काम कर पाएगी, क्योंकि इसको R2 जो है R2 P1 भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन अभी जो हमने सिस्टम देखा ये वाला, इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगा हुआ था, तो ऐसा लगा होगा तब तो भाई डेडलॉक हो गई तुम्हारे सिस्टम में, ठीक है। या फिर होल्ड एंड वेट को हटा दो, कि मैं अगर एक प्रोसेस के ऊपर होल्ड कर रखा है तो दूसरे प्रोसेस पर मैं वेट नहीं कर सकती, ये हटा दो तो भी आपकी डेडलॉक नहीं होगा। तो ये चारों चीज़ें जब एक साथ लगेंगी तभी डेडलॉक होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत दिनों बाद समझ में आया था मेरे को भी, लेकिन अब आई थिंक आप लोगों को एक बार में समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद डेडलॉक फिर अगर हैंडल करना है तो उसकी क्या क्या टेक्निक होती है, तो मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम डेडलॉक को हैंडल कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला तो डेडलॉक प्रिवेंशन, तो डेडलॉक प्रिवेंशन ये कहता है कि हमें डेडलॉक को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके का सिस्टम लगा देंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कि चार कंडीशन होती हैं, इन चारों में से कोई एक कंडीशन ना हो, तो हम ये चारों में से एक कंडीशन नहीं होने देंगे। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि जब भी कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने का ट्राई कर रही है तो हमेशा ये चेक किया जा रहा है सभी प्रोसेस के अंदर कि डेडलॉक ये चार कंडीशन तो मीट नहीं हो रही, और वहाँ पर फिर उनको अवॉइड करने का ट्राई किया जाता है, ठीक है। वो गया डेडलॉक प्रिवेंशन। उसके बाद डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक अवॉइडेंस भी सिमिलर सा ही है डेडलॉक अवॉइडेंस, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम का यूज़ कर रहा होता है, जैसे बैंकर्स एल्गोरिदम उसमें से एक एल्गोरिदम है, और बैंकर्स एल्गोरिदम की हेल्प से या फिर कुछ और भी एल्गोरिदम की हेल्प से आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रेटजिकली रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं सो दैट डेडलॉक अवॉइड हो सके। तो ये डेडलॉक अवॉइडेंस की एल्गोरिदम होती हैं कुछ। डेडलॉक डिटेक्शन क्या करता है, ये चेक करता रहता है हर बार, मतलब बेसिकली हो सकता है दो दो सेकंड पे, हर 30 सेकंड में, हर 4 सेकंड में, हर 1 मिनट पे, ये सिस्टम को चेक करता रहेगा ग्राफ्स की हेल्प से, कि ये जैसे ग्राफ तो यही बन रहा है ना, तो इस ग्राफ के अंदर साइकिल तो नहीं है, अगर साइकिल है तो इसका मतलब डेडलॉक लग गया है। तो डेडलॉक को डिटेक्ट करता रहेगा पीरियोडिकली, तो डेडलॉक डिटेक्शन ये होता है। अगला होता है डेडलॉक रिकवरी। डेडलॉक रिकवरी के अंदर क्या करते हैं, ये डेडलॉक को हैंडल करने के तरीके हैं, ठीक है। अगला है डेडलॉक रिकवरी। डेडलॉक रिकवरी का मतलब क्या, कि अगर डेडलॉक में आ गया सिस्टम, कि आपका डिटेक्ट हो गया कि डेडलॉक लगा हुआ है, सर्कल बना हुआ है ग्राफ में, तो हमें बेसिकली कोई एक प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ेगा। अगर सर्कल में से एक प्रोसेस को हटा दिया, तोड़ दिया, तो वो सर्कल टूट गया, तो अब डेडलॉक नहीं लगेगा वहाँ पर, ठीक है।
इस तरीके समझ लो जैसे इंटरसेक्शन पर चार गाड़ियाँ आके फंसी हुई हैं, इस गाड़ी को यहाँ जाना है, इस गाड़ी को यहाँ जाना है, इस गाड़ी को यहाँ जाना है और इस गाड़ी को यहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेडलॉक लगा हुआ है, कोई भी गाड़ी कहीं नहीं जा सकती। अब अगर मैं यहाँ पर किसी एक गाड़ी को उठा दूँ, बाहर निकाल दूँ, ठीक है, फेंक दूँ गाड़ी को, तो अगर सपोज़ करो मैंने इस गाड़ी को निकाल दिया, इस गाड़ी को निकाल दिया, तो डेडलॉक खत्म। अब ये वाली गाड़ी नीचे चली जाएगी, उसके बाद ये वाली गाड़ी फिर यहाँ चली जाएगी और ये वाली गाड़ी फिर यहाँ चली जाएगी, डेडलॉक खत्म। तो इस तरीके से आप लोगों का डेडलॉक को रिकवर किया जाता है, एक प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है, वो प्रोसेस फिर बाद में चालू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला है डेडलॉक इग्नोरेंस, और सबसे बढ़िया मुझे ये लगता है क्योंकि डेडलॉक को ये जितने भी मेथड मैंने बताए ना, इनको अगर आपको इंप्लीमेंट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो एक्स्ट्रा ओवरहेड है कि जब भी आप प्रोसेस असाइन कर रहे हो, जब भी आप रिसोर्स असाइन कर रहे हो, आप पूरे टाइम चेक करते रहोगे कि डेडलॉक में तो नहीं जा रहा सिस्टम, इसके अंदर ओवरहेड जाता है, ठीक है। मतलब सिस्टम को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, सिस्टम अपना काम करे कि डेडलॉक को चेक करता रहे पूरे टाइम। तो इसलिए डेडलॉक इग्नोरेंस, क्योंकि डेडलॉक ये मान के चलते हैं कि डेडलॉक कभी कभार ही होगा, 100 में से एक बार हो सकता है डेडलॉक अकर हो। अगर डेडलॉक अकर होता है तो हम क्या करेंगे, क्रैश कर देंगे सिस्टम को, ठीक है। तो डेडलॉक को हम इग्नोर मारते हैं, डेडलॉक इग्नोरेंस ये कहता है। विंडोज़ में यही हो रहा होता है, आपने देखा होगा कई बार कि अगर सपोज करो डेडलॉक लग जाता कई बार, तो वहाँ पे वो या तो आपका एक प्रोसेस को क्रैश कर देगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली क्रैश हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यूज़र दोबारा बाद में चला लेगा और डेडलॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये होता है डेडलॉक इग्नोरेंस, ठीक है। तो डेडलॉक वगैरह जो मैकेनिज्म है यहाँ पे, वैसे डेडलॉक अवॉइडेंस वगैरह ये सब कहाँ लग रहे होते हैं, ये सब आपके मिलिट्री ग्रेड जो मैंने आपको बताया था ना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS, उनके अंदर ये सारे के सारे चीज़ें लग रही होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। वहाँ पे हम कोई भी प्रोसेस ऐसी डिलीट नहीं कर सकते। आप जैसे ऊपर नासा किसी स्पेस शटल को भेज रही है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पे अगर उन्होंने एक आध प्रोसेस को क्रैश कर दिया तो इतना बड़ा $1 बिलियन जिसमें लगे तो वो फूक जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमें डेडलॉक के हैंडलिंग के तरीके लगाने होते हैं, लेकिन डेडलॉक इग्नोरेंस हमारे विंडोज़ वगैरह में, लिनक्स के जो उबंटू के बने हुए सिस्टम, उनमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगली हम बात करेंगे अब मेमोरी मैनेजमेंट की। तो अभी तक हमने जो बात की थी वो थी प्रोसेस के बारे में, प्रोसेसेस को हमने अच्छे समझ लिया कि प्रोसेस कैसे बनती हैं, प्रोसेस की क्या क्या स्टेट होती हैं, कैसे शेड्यूल होती हैं। इसके बाद जब मल्टीपल प्रोसेस आपस में मिल रही होती हैं तो क्या क्या हो सकता है, डेडलॉक होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं, प्रोसेस से रिलेटेड बात कर ली है। लेकिन प्रोसेस चलेगी कब, सीपीयू को प्रोसेस कब मिलेगी, जब सीपीयू उसको मेन मेमोरी में लेकर आएगा, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेकर आएगा। तो जब मेमोरी में आता है तो ये वाला काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, मेमोरी मैनेजमेंट करना, मल्टीपल प्रोसेसेस को अपनी अपनी अलग अलग मेमोरी देना या फिर किस तरीके से मेमोरी को मैनेज करना है, ये वाला काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं, विच इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आप लोग बेसिकली मल्टीपल तरीके से अपनी मेमोरी को डिवाइड कर देते हो, और दो तरीके होते हैं, एक होता है फिक्स्ड पार्टिशनिंग, होता है एक डायनेमिक पार्टिशनिंग, और भी हम मल्टीपल तरीके भी हम पढ़ेंगे वर्चुअल मेमोरी के थ्रू, सेगमेंटेशन, पेजिंग, ये सब भी तरीके होते हैं। तो पढ़ते हैं कि किस तरीके से आप अपनी मेमोरी को डिवाइड करते हो सो दैट अलग अलग प्रोसेस इस मेमोरी के अंदर आ सकें, ठीक है। तो मेमोरी का मतलब क्या है, रैम, मैं यहाँ पे मेमोरी का मतलब वो नहीं कह रहा जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है 500 GB की, 2 TB की, वो नहीं, वो तो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, उससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मेन काम होता है आपका रैम से, जिसके अंदर आपका प्रोग्राम लोड होता है और रैम के अंदर ही आपका प्रोग्राम चल रहा होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है फिक्स्ड पार्टिशनिंग। फिक्स्ड पार्टिशनिंग का मतलब ये है कि आप क्या करोगे, अपनी मेमोरी को फिक्स्ड पार्टीशंस में डिवाइड कर दोगे जिनका साइज़ फिक्स्ड है। सपोज करो ये आपकी मेमोरी है, इसको आपने फिक्स साइज़ के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया कि भाई 4-4 byte के हमारे फिक्स साइज़ होंगे, इसके अंदर हमारी प्रोसेसेस आ सकती हैं। तो यहाँ पर सपोज करो आ गई P1, यहाँ आ गई आपकी P2, यहाँ आ गई आपकी P3, इस तरीके से। तो फिक्स साइज़ के हमारे प्रोसेसेस आ सकते हैं, फिक्स साइज़ के ब्लॉक हैं जो अलग अलग प्रोसेस जिनमें जा सकती हैं। लेकिन इसमें इशू क्या होता है, इसमें इशू ये होता है कि कोई प्रोसेस सपोज करो 2 byte की है, लेकिन उसको आपने 4 byte के फिक्स ब्लॉक में डाल दिया, तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा 2 byte बच गए वो तो खाली बच गए ना, कि सपोज़ करो ये ऊपर के 2 byte में तो प्रोसेस डल गई P1, लेकिन नीचे के 2 byte खाली पड़े हैं। सिमिलरली सपोज़ करो P2 जो है वो सिर्फ 1 KB की है, तो बाकी जो बचा हुआ इतना सारा स्पेस है, इसने इतना सा स्पेस लिया पर छोटा सा, और जो बाकी सारा स्पेस है वो खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी वजह से होता है क्या, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, कि आपकी जो मेमोरी है वो फ्रेगमेंटेशन, कि आपकी मेमोरी में खाली जगह तो है, आपको दिख रहा है खाली जगह है, लेकिन वो यूज़ नहीं की जा सकती क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एक प्रोसेस डली हुई है, अगर आप फिक्स्ड पार्टिशनिंग का यूज़ करते हो तो इसके अंदर आपका, इसे हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, कि आपके जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर इंटरनली डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन हो रखे हैं, तो फिक्स्ड पार्टिशनिंग का हम यूज़ नहीं करते हैं। अगला हो गया डायनेमिक पार्टिशनिंग। डायनेमिक पार्टिशनिंग क्या कहता है, ये कहता है कि भाई सुनो, जो प्रोसेस आएगी, सपोज करो P1 आई तो P1 को हमने ये स्पेस दे दिया, ठीक है, P1 का अगर 4 byte का स्पेस था तो हमने 4 byte का स्पेस P1 को पकड़ा दिया। P2 को सपोज करो 2 byte ही चाहिए था तो P2 को सिर्फ हमने 2 byte का दिया। उसके बाद सपोज करो P3 आई जिसको 8 byte चाहिए था तो P3 को हमने 8 byte दे दिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज़ हो जाती है, वो होती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। वो क्या होता है कि अब अगर P2 ने अपना काम कर लिया
तो P2 बाहर भी तो निकलेगा मेमोरी में से, अब पूरे टाइम रैम में थोड़ा ना पड़ा रहेगा। अगर आप गेम खेल रहे थे, गेम खेलने के बाद आपने क्रॉस बटन पे हिट किया, आपने गेम बंद कर दिया, तो अब गेम आपका रैम में थोड़ा ना पड़ा रहेगा, ठीक है, गेम तो रैम में से निकलेगा, ठीक है, तो रैम खाली होगी उस टाइम पर, आपकी मेमोरी खाली होगी। अब रैम में से मेमोरी खाली हुई तो बीच में ये खाली जगह बच गई P2 की, छोटी सी 2 बाइट की, जो कि अब खाली पड़ी रहेगी जब तक कि 2 बाइट का कोई प्रोसेस ना आ जाए। आप कोई सपोज़ करो कोई 4 बाइट की प्रोसेस है, वो कहाँ जाएगी? ऊपर भी 2 बाइट की जगह खाली है, नीचे भी 2 बाइट की जगह खाली है सपोज़ करो, लेकिन अब जो P4 है उसको 4 बाइट चाहिए, P4 जा ही नहीं सकती कहीं पे भी, क्योंकि ऊपर 2 बाइट की जगह खाली है, नीचे भी 2 बाइट की जगह खाली है, जगह तो है लेकिन P4 नहीं जा सकती है वहाँ पे, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो डायनेमिक पार्टीशनिंग के अंदर ये इशू हो जाता है। तो इसके बाद हम डायनेमिक पार्टीशनिंग के बाद हम बात करेंगे पेजिंग की, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ एल्गोरिथम्स की जिनकी हेल्प से डायनेमिक पार्टीशनिंग लग रही होती है। वो एल्गोरिथम होती है फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट क्या होता है? फर्स्ट फिट बोलता है कि जो पहला स्पेस मिल गया विच इज़ लार्ज इनफ फॉर अ प्रोसेस, वहीं पर उस मेमोरी को, उस प्रोसेस को डाल दो, ठीक है। तो ये नहीं देखता कि ये जो खाली स्पेस है कितना बड़ा था कितना छोटा था, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगला है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट कहता है कि एक बार पूरे के पूरे जितने भी खाली स्पेसेस हैं ना मेमोरी के अंदर, उनको एक बार इटरेट करके देख लो कि कौन सा है जो कि जस्ट इससे बड़ा है या फिर जस्ट इसके बराबर है, इस प्रोसेस के बराबर, ठीक है। तो उसकी हेल्प से फिर ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रोकने का ट्राई करता है। लेकिन जो बेस्ट फिट है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक बार पूरा का पूरा इटरेट करना पड़ेगा, उसके बाद डलेगा, तो ये थोड़ा इनफिशियंट हो जाता है। और इसके बाद है अगला वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट क्या कहता है? वर्स्ट फिट कहता है कि जो सबसे बड़ी खाली स्पेस है ना उसके अंदर प्रोसेसेस को डालना स्टार्ट करो, सो दैट अगर सपोज करो 8 बाइट का स्पेस है खाली, ठीक है, यहाँ पर सपोज करो प्रोसेस है, यहाँ पर सपोज करो प्रोसेस है और यहाँ पर 8 बाइट का खाली स्पेस है, तो सबसे बड़ा स्पेस है इसी में डाल दो P4 को, ठीक है, P4 को यहाँ डाल दिया और उसके बाद अब खाली स्पेस दोबारा से बच गया, तो अगर कोई किसी और मेमोरी को आना होगा वो दोबारा से इसमें डाल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्स्ट फिट काम करता है। ये तीनों के तीनों अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं, और फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे तो ये भी नहीं है। सबसे बढ़िया तो पेजिंग है, उसके बाद सेगमेंटेशन है, लेकिन सबसे बढ़िया जो है उनसे भी बढ़िया वो ये है, सेगमेंटेशन और पेजिंग को एक साथ यूज़ करो और बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड पाओ। तो सेगमेंटेशन और पेजिंग क्या होता है, अब जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो पार्टिशनिंग के अंदर, अच्छा, मैंने फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट यहाँ पर लिखे ही हुए हैं, तो इनको आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है, ये मैंने आपको वैसे बता ही दिए। तो अगला हो गया पेजिंग। इन ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग इज अ स्टोरेज मैकेनिज्म यूज्ड टू रिट्रीव प्रोसेस फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इनटू मेन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। तो बेसिकली होता क्या है, अब हम यहाँ पर बोल देते हैं कि हमारा जो मेन मेमोरी है उसको हमने डिवाइड कर दिया बहुत छोटे छोटे पेजेस के अंदर, ठीक है, 1-1 किलोबाइट के पेजेस के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास होगा क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेन मेमोरी है ये, और इस मेन मेमोरी को हमने छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड कर दिया है। और अब होगा क्या कि अब हमें कंटिगुअस फैशन में रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम क्या कर रहे थे, कंटिगुअस फैशन में रख रहे थे, राइट, कि P1 पूरी की पूरी जो है एक ही जगह पर आएगी, फिर P3 जो है पूरी की पूरी एक ही जगह पर आएगी। हम बोलेंगे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हमने छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड कर लिया है पहले तो, और उसके बाद हमने ये भी सुनिश्चित कर दिया है कि एक प्रोसेस जो है वो कंटिगुअस फैशन के बजाय किसी भी, मतलब आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे ऐसे भी रह सकती है। तो इसकी हेल्प से हमारी काफ़ी सारी फ्रेगमेंटेशन बच जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्रोसेस P5 है इसको यहाँ पर इतना सारा जगह चाहिए था, तो प्रोसेस P5 का आधा हिस्सा तो ऊपर है और आधा हिस्सा नीचे है इस तरीके से मेन मेमोरी में। तो इस तरीके से अगर आपको रखना है मेन मेमोरी के अंदर, तो आपको कुछ ना कुछ सिस्टम अपना बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बनानी पड़ेगी विच इज़ कॉल्ड MMU। एक मैनेजर असाइन करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा सुनो भाई, मुझे इन सब की टेंशन नहीं लेनी, मुझे तो इस तरीके से चाहिए कि जैसे कि प्रोसेस P5 कंटिगुअस फैशन में रखी हो। मैं टेंशन नहीं लगूंगा कि इसका एक हिस्सा यहाँ पर है, दूसरा हिस्सा यहाँ पर है, तीसरा हिस्सा यहाँ पर है, चौथा हिस्सा यहाँ पर है। मुझे तो, मैं एक मैनेजर असाइन कर देता हूँ इसके लिए, तो वो डेलीगेट कर देता है इस मैनेजर को, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को, जिसका काम होता है ये मैपिंग करके रखना, ठीक है, कि P5 को अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को तो ये वाली जगह चाहिए, लेकिन ये वाली जगह एक्चुअल में कहाँ पर रखी है। तो ये वाली मैपिंग जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो मैनेजर अपना काम करता है इस तरीके से। और इस चीज़ के लिए जो मैनेजर है ये एक डेटाबेस का यूज़ लेता है जिसका हम बोलते हैं पेज टेबल, ठीक है। पेज टेबल की हेल्प से मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इस चीज़ को सुनिश्चित कर पाती है। तो ये होता है बेसिकली पेजिंग। अब पेजिंग के बाद वर्चुअल मेमोरी में मूव करने से पहले आपको मैं पेज टेबल थोड़ा अच्छे से और समझा देता हूँ कि पेज टेबल थोड़ा सा एक्सप्लेन और अच्छे से कर देता हूँ। तो पेज टेबल करता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम को तो चाहिए कि भाई सुनो इस जगह के बाद मुझे इस जगह पर जाना है, मुझे नहीं पता ये जगह कहाँ पर है, मुझे तो इसके बाद इस जगह पर जाना है, तो मेरा जो प्रोग्राम काउंटर है वो तो ऐसे ही चलेगा एक के बाद एक के बाद एक, ताकि मैं अपना काम आराम से कर पाऊँ भाई,
ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को तो एक के बाद एक के बाद एक चलना है। लेकिन हमें पता है कि ये वाली जो जगह है ये तो भाई यहाँ पड़ी है, ठीक है, तो ये है मैनेजर का काम। मैनेजर क्या करता है, मैनेजर एक टेबल बना के चलता है। मैनेजर बोलता है सुनो ये प्रोसेस की टेबल, ये बेसिकली मैपिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। इस टेबल के अंदर सिर्फ दो कॉलम होते हैं, बहुत सारी रोज होती हैं। इस जगह पर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो चाहिए, जिसका नाम होता है लॉजिकल स्पेस, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस कह लो, लॉजिकल स्पेस कह लो। ये लॉजिकल एड्रेस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कि सुनो मुझे ये ला के दो, लेकिन ये जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है फिजिकल एड्रेस पर, ठीक है, फिजिकल एड्रेस। तो ये जो टेबल है इसके अंदर ये मैपिंग हो रखी होती है, और इस मैपिंग की हेल्प से MMU बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम को फिजिकल एड्रेस पर पहुंचा पाती है। बोलती है कि सुनो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सुनो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सुनो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये वाले टेबल बना के रखनी जरूरी होती है। अब यहाँ पर हम ये टेबल बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा ओवरहेड हमारा टेबल बनाने के लिए लग रहा है कि हमें भाई टेबल ही मैनेज करनी पड़ रही है अपनी खुद से, लेकिन एटलीस्ट हमारी फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही है। तो ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा हाईली यूज़ किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंटरव्यूज के अंदर पूछ लेते हैं लोग, वर्चुअल मेमोरी बताओ। चलो अब सुन के तो लगता है भाई क्या है ये वर्चुअल मेमोरी, मतलब मेमोरी है नहीं, वर्चुअल मतलब दिमाग में कोई मेमोरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपको बताया कि मल्टीपल प्रोसेसेस चल रही होती हैं एक बार में, एक प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसेस को चला रहा होता है, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो गेम है वो 56 GB का है, लेकिन वो सिर्फ 16 GB रैम के अंदर आ गया। और 16 GB रैम के अंदर सिर्फ एक गेम नहीं चल रहा, इसके अलावा क्रोम भी चल रहा है, इसके अलावा नोटपैड भी चल रहा है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती हैं वो भी चल रही हैं, तो सब कुछ ही चल रहा है और गेम भी आराम से चल पा रहा है, लेकिन गेम 56 GB का है। तो भैया होता क्या है, देखो कि एक प्रोग्राम है उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं, और सभी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट एक बार में नहीं होती है कंप्यूटर को, ठीक है, एक प्रोग्राम को चलने के लिए। अब अगर आप गेम खेल रहे हो तो गेम खेलते टाइम आपको स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं है, गेम खेलते टाइम आपको जो जहाँ पे एवेटार चूज़ कर रहे थे वो वाले प्रोसेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस बनी होती है प्रोग्राम के अंदर, तो आपकी जो शुरुआत वाली लोडिंग एनिमेशन है उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको लोड नहीं करते हैं, उसको तब लोड करते हैं जब उसको दिखाने का टाइम आता है, ठीक है। तो होता है क्या है, एक बहुत अच्छी टर्म भी है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो ये कि 90% ऑफ द टाइम एक प्रोसेस सिर्फ 10% ऑफ द मेमोरी ही यूज़ कर रही होती है, ठीक है। तो 90% ऑफ द टाइम सिर्फ 10% ऑफ द मेमोरी यूज़ कर रही है, बाकी 90% ऑफ द मेमोरी वो यूज़ नहीं कर रही होती है, ऐसा होता है। तो क्यों ना हम एक काम करें कि हमारे पास मेमोरी तो है, तो इस मेमोरी के अंदर हम डिमांड के हिसाब से चीज़ें डालेंगे, इसे हम कहते हैं डिमांड पेजिंग, कि जिस चीज़ की डिमांड है, जिस प्रोग्राम के अंदर, प्रोसेस के अंदर जिस कोड की डिमांड है, सिर्फ उसी पीस ऑफ कोड को हम लोड करेंगे अपनी मेन मेमोरी के अंदर, और जब इसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी तो उसको निकाल देंगे मेमोरी के अंदर, और अगर किसी और प्रोसेस को कोई और पेज चाहिए तो उस पेज को लोड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास मेमोरी तो बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन मेमोरी अभी भी हमारे पास 16 GB की है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। इसको थोड़ा और से समझ लेते हैं, तो अब यहाँ पर वही अगेन, अगर आपकी रैम बड़ी होगी तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी आपकी। अगर रैम आपकी 8 GB है तो आप कम प्रोग्राम्स लोड कर पाओगे, क्योंकि वो जो आपका जो वर्चुअल स्पेस है वो जल्दी भर जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर आपके पास 16 GB रैम है तो आप उसमें और ज़्यादा प्रोग्राम्स को लोड कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा रैम का मतलब ज़्यादा प्रोग्राम्स लोड हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका CPU फास्ट हो गया है, CPU की स्पीड तो क्लॉक स्पीड पर डिपेंड करती है, लेकिन ज़्यादा प्रोग्राम आप लोड कर पा रहे हो तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ गई है, तो आपके कुछ प्रोग्राम हैंग नहीं होंगे, ठीक है, प्रोसेस पूरी टाइम पेजेस को निकालेगी नहीं, फेंकेंगी नहीं, ठीक है, तो प्रोग्राम भी आगे बढ़ता रहेगा, प्रोग्रेस होती रहेगी। समझते हैं वर्चुअल मेमोरी को अच्छे से। वर्चुअल मेमोरी इज अ कंसेप्ट दैट लेट्स कंप्यूटर यूज मोर मेमोरी देन इट एक्चुअली हैज। इट क्रिएट्स एन इमेजिनरी मेमोरी स्पेस बाय कंबाइनिंग फिजिकल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो होता क्या है, आपकी रैम तो वही 16 GB की है, लेकिन जो आपका फिजिकल मेमोरी है विच इज 500 GB की या फिर 1 TB की, उसको भी कंबाइन कर दिया जाता है। उसको कंबाइन तो ऐसे कर नहीं सकते, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो बात करता है मेन मेमोरी से ही। तो होता है क्या, मेन मेमोरी से स्वैपिंग चलते रहते हैं पूरे टाइम, जिस चीज़ की जरूरत है उसको डालेंगे हम और जिस चीज़ की जरूरत नहीं है उसको निकाल देंगे हम। तो आई थिंक हमें वर्चुअल मेमोरी समझ में आ गया होगा। बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम बहुत सारी प्रोसेसेस को स्टोर कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं इस यूज़र के पास कितनी बहुत मतलब टेराबाइट्स के अंदर इसके पास मेमोरी है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं, हमारे पास इतनी सारी मेमोरी नहीं होती। तो हम आगे मूव करेंगे और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की बात करेंगे। तो जो मैंने अभी बात करी थी ना पेजिंग की, कि पेजेस हमारे बने होते हैं और वो पेजेस जब रिक्वायर्ड होते हैं तब वो पेजेस डल रहे होते हैं, और जब रिक्वायर्ड नहीं होते तो पेजेस को निकाल दिया जाता है, तो उसके लिए भी एक एल्गोरिथम होती है। जिस तरीके से हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखी थी, उसी तरीके से हमारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी होती है, कि किस पेज को रखना है मेमोरी में, किस पेज को निकालना है, सो दैट पेज फॉल्ट कम से कम हो।
बेसिकली होता क्या, पेज फॉल्ट होता है कि जब आपकी मेमोरी को, जब आपके प्रोग्राम को एक मेमोरी पीस ऑफ कोड की रिक्वायरमेंट है और वो आपके मेमोरी के अंदर नहीं पड़ा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर नहीं है, तो उस टाइम पे होता है पेज फॉल्ट। और उस टाइम पे क्या होता है कि सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक पेज को लाया जाता है, या फिर जहाँ पे ऑलरेडी उस पेज में कुछ और रखा होता है, तो पेज स्वैपिंग होती है। अभी जो पेज स्वैपिंग वाला काम है ना, ये बहुत स्लो होता है। सबसे फास्ट चीज़ जो होती है वो होती है कंप्यूटिंग एज इन जिस, जब कंप्यूटर आपके प्रोग्राम को रन कर रहा होता है, सबसे फास्ट ऑपरेशन वो होता है। लेकिन जो आईओ ऑपरेशन होता है ना, जिसके अंदर आपकी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है चीज़ों को, वो आपका बहुत स्लो ऑपरेशन होता है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम पेज फॉल्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेज हिट हो। पेज हिट का मतलब जिस पेज की रिक्वायरमेंट थी वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। तो हमें बेसिकली इस टाइप की एल्गोरिदम्स इंप्लॉय करनी होती है पेज रिप्लेसमेंट के टाइम पर, सो दैट हमारे पेज फॉल्ट कम से कम हो और पेज हिट सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो सबसे पहली तो बहुत बेसिक एल्गोरिदम है, विच इज़ अगेन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। बेसिकली होता है कि हमारे पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस होते हैं और उन्हीं के अंदर हमें पेजेस को डालना होता है। ठीक है, पेजेस के जो स्पेस होते हैं वो हमारे लिमिटेड नंबर होते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है हमने कि हमारे पास तीन फ्रेम्स हैं। ठीक है, फ्रेम्स कह लो पेज कह लो एक ही बात है वैसे तो। ठीक है, फ्रेम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी के अंदर, और फ्रेम कहते हैं बेसिकली लॉजिकल एड्रेस के अंदर, और फिजिकल एड्रेस में उसी को पेज कह देते हैं। ठीक है, एक ही बात है, दोनों का साइज सेम होता है। तो सपोज करो हमारे पास इस ऑर्डर में आ रही है रिक्वेस्ट कि अभी मुझे 6 नंबर का पेज चाहिए, अभी मुझे 1 नंबर का चाहिए, अभी मुझे 1 नंबर का चाहिए, दोबारा मुझे 2 नंबर का चाहिए। इस तरीके से मुझे पेजेस चाहिए, मेरे प्रोग्राम्स को इस तरीके से पेजेस चाहिए। लेकिन मेरे पास जो स्पेस है, जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो स्पेस है, वो 3 ही फ्रेम्स का है। ऐसा होता नहीं है, हमारे प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा मिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड ही होते हैं, फाइनाइट नंबर ही होते हैं, और हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है पूरे टाइम। ठीक है, समझने के लिए हम 3 का ही सहारा लेते हैं कि 3 फ्रेम्स हैं और हमारे पास इस ऑर्डर में आ रहे हैं। तो होगा क्या, अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगाएं, तो यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्यू होता है, राइट, कि जो पहले आया उसको पहले बार निकाला, एक क्यू में ऐसे ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्यू बनी हुई है। तो यहाँ पर देखो पहले फॉल्ट होगा, क्योंकि 6 चाहिए और 6 है नहीं मेमोरी के अंदर, तो 6 को डाल दिया गया फ्रेम नंबर 1 के ऊपर। अगला चाहिए हमें 1 चाहिए, तो 1 अगेन पेज फॉल्ट होगा, क्योंकि 1 मेमोरी में नहीं है, तो 1 को दोबारा डाला। इसे हम कहते हैं डिमांड पेजिंग, कि जब डिमांड है तब डाल रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड पेजिंग के लिए ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद जब 1 चाहिए था अगेन, तो 1 ऑलरेडी मेमोरी में था, तो पेज हिट हो गया। ठीक है, हिट हो गया तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं पेज फॉल्ट कम से कम हो। उसके बाद अगला हमें चाहिए था 2, लेकिन 2 मेमोरी में नहीं था, तो अगेन पेज फॉल्ट हुआ और 2 मेमोरी में डाल दिया गया। उसके बाद 5वें नंबर पर चाहिए था हमें 0 नहीं मिला, तो पेज फॉल्ट हो गया, लेकिन अब हमारी 3 फ्रेम की स्पेस भी बढ़ गया है। अब 3 ही फ्रेम थे हमारे पास, तो एक फ्रेम को जाना पड़ेगा, उस फ्रेम की जगह पर दूसरा आएगा। ठीक है, तो पेज रिप्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर। तो कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करें, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले आया था उसको पहले बाहर निकालो। सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले 6 आया था, तो 6 को बाहर निकाल के यहाँ पर 0 को डाल दिया गया। ठीक है, तो 6 को बाहर निकाला गया, 0 को डाला गया, ये समझना, और यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ था। अगला यहाँ पर अब हमें 3 चाहिए था, तो अब कौन सा था जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर, क्यू में अगला कौन सा होगा निकलने के लिए, तो क्यू में अगला होगा 1, तो 1 बाहर निकलेगा और 1 की जगह पर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको पूरा भर सकते हो, और ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। इसके अंदर पेज फॉल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके अंदर एक और एनोमली होती है, विच इज कॉल्ड बैलेडीज एनोमली। ठीक है, बैलेडीज एनोमली क्या कहती है, बेसिकली होना तो ये चाहिए ना कि जब आप नंबर ऑफ फ्रेम्स को बढ़ा दोगे, जैसे यहाँ पे भी 3 ही फ्रेम्स थे, इसकी जगह मैं सपोज करो 10 फ्रेम कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पेज फॉल्ट कम हो जाने चाहिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम यूज़ करोगे, तो कई बार देखा जाता है ऐसा कि कुछ कुछ सिनेरियोज़ के अंदर इवन हम फ्रेम्स को बढ़ा भी देते हैं, अपनी प्राइमरी मेमोरी को बढ़ा भी देते हैं, तब भी पेज फॉल्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये एक अनोमली है, जिसको हम बैलेडीज अनोमली कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम को हम साइड ही रखते हैं। ये इजी टू इंप्लीमेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा होता नहीं है। तो अगली होती है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये एकदम बेस्ट है। ठीक है, सबसे बढ़िया पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, बस इसके अंदर यही एक खास दिक्कत वाली बात है, कैवियट ये है कि ये फिजिबल नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया, इतनी सबसे बढ़िया है तो बताता हूँ अभी आपको। तो ये एल्गोरिथम बेसिकली बताया कहती है कि जो पेज सबसे लास्ट में यूज़ होगा ना, जो एकदम एंड में यूज़ होगा, उसको सबसे पहले बाहर निकालो। ठीक है, जो बहुत देर तक यूज़ नहीं होने वाला उसको बाहर निकालो, और जो अभी यूज़ होने वाला है, जो अभी फ्यूचर में यूज़ होने वाला है, उसको भी पड़े रहने दो मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो एक तरीके से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दो, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दो कि कौन सा वाला पेज जो है वो अभी रिक्वायर्ड है, तुरंत ही उसको मत निकालो, और जो कौन सा पेज जो है वो बहुत फ्यूचर में बाद में रिक्वायर्ड है उसको निकाल दो। इसके लिए हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, और या तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है मे बी मशीन लर्निंग वगैरह लगा के
कुछ सिस्टम बना दिया जाए, ठीक है, वो मुझे आइडिया नहीं इतना, लेकिन हाँ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज़ नॉट फिजिबल। ये बेसिकली करता है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको पहले से ही पता है कि इस ऑर्डर में मुझे पेजेस चाहिए, ये तो पता नहीं होता है ना, ये तो यहाँ पे बस लिख दिया गया है, लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है कि यही ऑर्डर रहने वाला है, यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तब आप लोग आराम से ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट लगा सकते हो। आप क्या करोगे, पहले 6 को डालोगे, 1 को डालोगे, 1 को डालोगे, फिर 2 को डालोगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तक तो सही है। उसके बाद जब 0 चाहिए तो 0 जब डालना है तो आप उस पेज को बाहर निकालो जो बहुत देर बाद रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा हम देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे कि अच्छा 3, 4, 6, तो 6 तो हमें तुरंत चाहिए तो 6 को तो हम बाहर नहीं निकालेंगे। अगला है 0, फिर अगला है 2, फिर 2 चाहिए हमें तुरंत तो 2 को भी बाहर नहीं निकालेंगे, तो सबसे लास्ट में 1 है, ठीक है, तो 1 बहुत देर बाद रिक्वायर्ड होगा, तो ऐसा करो 1 को बाहर निकालो। तो यहाँ पर देखो 1 को बाहर निकाल दिया गया होगा और 1 की जगह पर डाल दिया 0, देख रहे हो इस तरीके से। तो फ्यूचर का अगर पता रहेगा तो आप कर पाओगे इसको, नहीं तो नहीं, इसलिए ये यूज़ नहीं की जाती। लेकिन ये फिर भी बेंचमार्किंग वगैरह करने के लिए बहुत से एल्गोरिथम है कि इसके इससे हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी बाकी सारी एल्गोरिथम्स को, कि ये तो बेस्ट है, इससे कंपेयर करते हैं बाकी सारी एल्गोरिथम्स को कि ये इससे 90% बेस्ट है, ये इससे 50% बेस्ट है, ठीक है। अगली लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम, ये काफ़ी हैवीली यूज़ की जाती है, इसके अलावा एक लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिथम भी होते हैं, वो भी यूज़ की जाती है। तो ये क्या कहती है, बेसिकली कि जो पेज अभी रिसेंटली यूज़ किया गया था ना उसको मत निकालो, जो लीस्ट रिसेंटली यूज़ किया गया था उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये बेसिकली कहती है, इसका बेसिकली प्राइमरी मोटिव ये है कि जो पेज अभी अभी फिलहाल में यूज़ हुआ था वो हो सकता है बाद में फ्यूचर में यूज़ हो, ठीक है, दोबारा से यूज़ हो, तो उस पेज को मत निकालो। जो बहुत पहले यूज़ हुआ था कभी उस पेज को बाहर निकाल दो, ठीक है। तो पास्ट में जो पेज बहुत पहले यूज़ हुआ था उस पेज को बाहर निकालो, जो अभी फिलहाल में यूज़ हुआ है उस पेज को मत निकालो, ये इसकी फिलॉसफी है। और इसके अंदर आप इस तरीके से काम कर सकते हो, देख सकते हो पहले 6, 1, 1, 2 तक तो ठीक है, उसके बाद जब 0 को डालने की बात आई तो लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा पेज था, तो सबसे लास्ट में कौन सा पेज यूज़ किया गया था, तो यहाँ पर देखो 2 एकदम रिसेंटली यूज़ किया गया था, उसके बाद 1, उसके बाद, और उसके बाद 6, उसके बाद, तो 6 था लीस्ट रिसेंटली यूज, तो 6 को बाहर निकाल दो। तो 6 को बाहर निकाल के यहाँ पे 0 डाल दिया गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0, 1, 2 डल गया और 3 आया। तो हम देखेंगे अब लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा पेज था, तो 0 तो अभी रिसेंटली यूज़ किया गया, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तो 1 को बाहर निकाल दो। तो थोड़ा थोड़ा देखने में लगेगा कि ये फीफो जैसा ही तो लग रहा है, लेकिन फीफो नहीं है, ठीक है, लीस्ट रिसेंटली कौन सा यूज़ किया जा रहा है उसका ध्यान रखा जाता है इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब अगला एक कंसेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड थ्रैशिंग। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर कि बताओ थ्रैशिंग कब होता है, थ्रैशिंग कैसे होता है, क्यों क्यों होता है, ठीक है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो थ्रैशिंग का मतलब ये है कि जब आपका जो कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कंप्यूटेशन काम कर रहा है और बस पेज रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, पूरे टाइम बस पेज रिप्लेसमेंट में लगा हुआ है और कंप्यूटेशन काम कर रहा है, तो उस टाइम पर थ्रैशिंग हो जाती है। तो थ्रैशिंग कब होगी, जब आपने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है। आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हाई करते जाते हो तो आपकी ऑब्वियसली सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ती जाती है, क्योंकि आपका सीपीयू पूरे टाइम कुछ ना कुछ काम करने में लगा हुआ है। और हम यही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर की सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो, क्योंकि सीपीयू खराब खरीदा है हमने, किसी काम के लिए खरीदा, राइट, काम करने करवाने के लिए खरीदा है, अब वो काम ही नहीं करेगा तो फिर क्या फ़ायदा है उसका, उसे हम चाहते हैं कि वो पूरे 100% यूटिलाइजेशन पर काम करे। लेकिन इसीलिए हम चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोग्राम्स लोड करें, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए प्रोग्राम्स लोड करने की। अगर आपने लिमिट से ज़्यादा प्रोग्राम लोड कर दिए ना, तो आपका सीपीयू काम करने की बजाय पेज रिप्लेसमेंट पे लगा रहेगा पूरे टाइम, ठीक है, और उस टाइम पर थ्रैशिंग हो जाती है। यहाँ पर देखो ये वो ग्राफ बन के आ रहा है, यहाँ पर आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन है और यहाँ पर आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा रहे हो, आपकी थ्रूपुट इंप्रूव हो रही है, और यहाँ पर इतने लेवल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में, सपोज करो यहाँ पे आपने 100 प्रोग्राम लोड कर दिए मेमोरी के अंदर, तो यहाँ पर आपका सीपीयू बढ़िया 100% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, ठीक है, काम हो रहा है, आपका थ्रूपुट हाई है। लेकिन इससे ज़्यादा जब आप प्रोग्राम लोड करने का ट्राई करते हो तो होता क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होने लग जाती है। सीपीयू यूटिलाइजेशन कम क्यों हो रही है भैया, क्योंकि अब हो गया क्या कि जैसे ही आपकी 101वीं प्रोसेस आई, तो 101वीं प्रोसेस आने के लिए जगह तो है नहीं, तो किसी पेज को बाहर निकलना पड़ेगा, किसी पेज को आना पड़ेगा। अब उस पेज को लेके आए, लेकिन दोबारा से अब दूसरा पेज चाहिए था, वो भी पेज फॉल्ट कर गया, तो उसको हटा के दूसरे पेज को लेके आओ, तो पूरे टाइम क्या होगा, पेज हटेंगे, पेज आएंगे, पेज हटेंगे, पेज आएंगे। और जैसे जैसे करके आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाते जाओगे, ये चीज़ें और ज़्यादा होंगी, और इस टाइम पर आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन एकदम लो हो चुका है, पुअर हो चुका है, और आपका कंप्यूटर थ्रैशिंग स्टेट में जा चुका है। इसे हम कहते हैं थ्रैशिंग। तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको अवॉइड करने का तरीका यही है, बस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करो, ठीक है, एक ऑप्टिमल स्टेट में रखो, और दूसरा रैम को बढ़ाओ। अगर आपकी रैम ज़्यादा होगी, 8GB रैम में ज़्यादा प्रोग्राम लोड करोगे तो ऑब्वियसली थ्रैशिंग होगी, राइट, रैम ज़्यादा कर लो तो भी सही है, या फिर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम करो, ऑप्टिमल स्टेट में रखो, तो आपकी थ्रैशिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यह था आपका थ्रैशिंग, समझ में आ गया होगा।
थ्रैशिंग के बाद अगला कंसेप्ट है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बेसिकली पेजिंग हमने देखा था, पेजिंग के अंदर आप लोगों की जो प्राइमरी मेमोरी है उसको मल्टीपल पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इसके साथ एक इशू है। इसके साथ इशू ये है कि आपने फिक्स्ड साइज़ के पेजेस बना रखे हैं, अपने कुछ पेजेस का साइज़ फिक्स रहता है उसके अंदर, ठीक है, डायनेमिक नहीं होता, पेजेस का साइज़ फिक्स रहता है। आपने फिक्स साइज़ के पेजेस बना रखे हैं, अब होगा क्या, आपको सपोज करो एक पूरा का पूरा मेन मेथड चाहिए था, ठीक है, आपके प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड होता है। सपोज करो एक आपने बना रखा है इस बाइनरी सर्च ट्री करके एक मेथड बना रखा है, अब आपने मेन मेथड पूरा का पूरा चलाना है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, क्योंकि आप पेजिंग यूज़ कर रहे थे तो शुरुआत के चार पेजेस, शुरुआत के चार लाइन को तो आपने रखा, बाद के चार लाइन को आपने रखा ही नहीं, ठीक है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट तो आठ की आठ लाइनों की है। लेकिन पेजिंग अगर यूज़ करोगे तो आप पेजिंग में तो बस शुरुआत की चार लाइनें जाएंगी, बाद की चार लाइनें नहीं जाएंगी, और जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जब डिमांड पेजिंग होगी, तब बाकी चार लाइनें जारी होंगी, तो खाम-खाम में आपका पेज फॉल्ट हो रहा है, ठीक है। जब आपको पता है कि ये पूरा का पूरा मेथड अगर लोड होना है, पूरा का पूरा प्रोसीजर कह लो या मेथड कह लो, फंक्शन कह लो, ये पूरा का पूरा एक साथ ही चलना है, तो क्यों ना इस पूरे के पूरे फंक्शन को एक साथ ही लोड किया जाए। इस चीज़ को हम कहते हैं सेगमेंटेशन। इस सेगमेंटेशन में कंप्यूटर के व्यू के हिसाब से नहीं, यूज़र के व्यू के हिसाब से चला जाता है कि यूज़र का जो प्रोग्राम है वो कहता है कि मुझे ये वाला प्रोसीजर तो पूरा पूरा एग्जीक्यूट करना है, तो क्यों ना इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को एक साथ लोड कर दिया जाए, ठीक है, इसको मत तोड़ो। तो ये होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे कि आपका जो कोड है वो सब, उसको प्रोसीजर वन है, उसके अंदर प्रोसीजर टू है, एक स्टैक है, इसमें एक लाइब्रेरी फंक्शन है, इसमें एक मेन फंक्शन है, तो इसको फंक्शंस में तोड़ दिया जाता है कोड को, और ये पूरा का पूरा फंक्शन फिर मेमोरी में लोड किया जाता है, क्योंकि हमें पता है ये पूरा का पूरा फंक्शन चलेगा तो पूरा का पूरा ही चलेगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आधा फंक्शन चला और आधा नहीं चला, ये तो कभी नहीं होगा। तो इसीलिए पूरा का पूरा फंक्शन आपका मेमोरी में लोड कर दिया जाता है, इसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। तो बेसिकली सेगमेंटेशन और पेजिंग को एक साथ चला लोगे, मतलब आप लोग पेजिंग भी कर रहे हो, लेकिन पेजिंग किस बेसिस पे कर रहे हो, आप सेगमेंट्स के बेसिस पे कर रहे हो, कि आप पूरा का पूरा सेगमेंट लोड कर दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि फिक्स साइज के पेजेस नहीं है मेरे अब, ठीक है। मेरा हुआ क्या कि ये वाला पेज जो है ये थोड़ा बड़ा साइज़ का हो गया, दूसरा वाला पेज जो है मेरा थोड़ा छोटा साइज़ का हो गया, इस तरीके से। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट अभी भी लगेगी, पेज टेबल वगैरह अभी भी बनेगी, लेकिन जो साइज़ हैं वो फिक्स नहीं रखे हैं आपने, और इसकी हेल्प से आप लोग पूरा पूरा सेगमेंट लोड कर पा रहे हो, इसकी हेल्प से आप थोड़ा और पेज फॉल्ट्स को कम कर पा रहे हो, ठीक है। पूरे टाइम हमें यही ध्यान रखना कि कैसे करके पेज फॉल्ट्स कम से कम हो, सो दैट आईओ करते टाइम हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, इनपुट आउटपुट करते टाइम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये था आपका अभी तक प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट मूव कर रहे हैं, विच इज़ सेकेंडरी मेमोरी, और ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, सबसे आसान मुझे यही लगता है, डिस्क मैनेजमेंट। इसमें फाइल मैनेजमेंट भी आता है, लेकिन ज़्यादा पूछा नहीं जाता, डिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। डिस्क मैनेजमेंट मतलब सेकेंडरी मेमोरी। आपने देखा होगा आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती हैं, एक होती है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव आजकल थोड़ी कम यूज़ होती है, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल पीसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें ये सब रोटेशनल वगैरह लगा होता है। ये होता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, जो यहाँ पे बना रखी है ना, ये होती है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क बेसिकली अगर आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे सर्कुलर इस तरीके से कैसेट्स बनी हुई हैं, और ये सब के सब एक के ऊपर एक स्टैक्ड है। आप सुनते भी होंगे कई बार हार्ड डिस्क में से आवाज़ें आती हैं घूमने की, कुछ कुछ ची ची करके, राइट, वो यही हो रहा होता है उस टाइम पे। हार्ड डिस्क ड्राइव एक्चुअली सर्कल में यहाँ पे इसके अंदर ये डिस्क घूम रही होती है, इसमें सेक्टर्स घूम रहे होते हैं, और उसमें एक हैंडल होता है, स्पिंडल होता है वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। एक होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो थोड़ी फास्ट है। आपने देखा होगा SSD जो है वो मच फास्ट होती है HDD से, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर मूविंग पार्ट्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक उसके अंदर कंसेप्ट होता है, मैग्नेटिज्म की वजह से वो चल रही होती है। मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छे से तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है HDD के अंदर इतने सारे मूविंग पार्ट होते हैं। HDD के अंदर सुन के देखोगे कोई आवाज़ नहीं आती, ठीक है, SSD के अंदर, लेकिन HDD के अंदर बहुत आवाज़ें आती हैं, वो क्योंकि उसमें चीज़ें घूम रही होती हैं, ठीक है। अब कैसे घूम रही होती हैं, ट्रैक्स वगैरह किस तरीके से उसके ऊपर आपका डेटा स्टोर होता है, वो ज़रा समझ लेते हैं। सारा का सारा खेल आपके इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी के ऊपर है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है तो वहाँ पर 1 मान लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो है तो वहाँ पर 0 मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके बिट्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो जो आपके बिट्स होते हैं ना 1010, जिससे आपका पूरा पूरा प्रोग्राम बनता है, देन प्रोग्राम से फिर आपका सारा गेम बन रहा होता है, वो आपके कहीं ना कहीं तो लोड होते हैं। वो आपके डिस्क पे मेमोरी के ऊपर आपकी हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स और लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन से आपका 1-0 बन रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी जगह पे चाहिए कि यहाँ पे 1 दिखाना है मुझे, तो वहाँ पे उस सेक्टर में उस जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को हाई कर दो। अब इसके लिए मल्टीपल अलग अलग मैकेनिज्म यूज़ होते हैं, तो उतना डीप में नहीं जाएंगे हम अब, लेकिन ये यूज़ कैसे होता है ज़रा ये हम समझ लेते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती है, सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली बहुत सारे ट्रैक्स हैं, ये देख लो, ये एक ट्रैक है, उसके बाद ये एक ट्रैक है, इस तरीके से एक CD के अंदर बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, एक के बाद एक, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ट्रैक दिखाए गए हैं, तो ये 2 ट्रैक्स हो गए, और इन ट्रैक्स में भी डेटा जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में है। ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है,
तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपका डेटा रखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले इसमें दो चीज़ें होती है, सबसे पहले सीक टाइम, कि ये जो हेड है आपका, यहाँ पर जो हेड है, ये हेड सेक्टर को सीक करेगा कि मुझे कौन, सॉरी ये ट्रैक को सीक करेगा कि मुझे कौन से ट्रैक पर जाना है। सीक टाइम इज द टाइम टेकन बाय लोकेटिंग द डिस्क आर्म टू स्पेसिफाई द ट्रैक वेयर द रीड राइट रिक्वेस्ट विल बी सेटिस्फाइड। तो ये जो हेड है ना, ये वाला जो हेड है, ये हेड आपका ऐसे चलता है, एक्स वाई एक्सिस के अंदर चलता है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर चलता है, सिर्फ आगे पीछे आगे पीछे। और ये जो आपके सेक्टर्स हैं, ये सर्कुलर घूमते रहते हैं। तो ये जो हेड है, जब ये ढूंढ रहा होता है कि मुझे कौन से वाले ट्रैक पर जाना है, उसे हम कहते हैं सीक टाइम। और सीक टाइम के बाद जब उसे मिल जाता है कि ठीक है मुझे इसी वाले ट्रैक पर जाना है, अब मुझे देखना है कि मुझे कौन से वाले सेक्टर पर जाना है, तो उसके लिए वो डिस्क घूमती है। इस बार अब डिस्क घूम के हेड वाली पोजीशन पर आ जाती है, उसे हम कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी। ये दोनों चीज़ें मिला के ही हमारी एक जगह की फाइंड करने के टाइम को बताते हैं कि ये पॉइंट मुझे किस तरीके, किसने टाइम में फाइंड होगा। तो अब इसके अंदर भी मल्टीपल डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है कि किस तरीके से इस ट्रैक को घुमाया जाए, किस तरीके से इसको घुमाने की कौन सी एल्गोरिथम होगी, सो दैट जल्दी से जल्दी हम कोई भी डेटा, अगर यूज़र एक्सेस करना चाहता है, रीड करना चाह रहा है या राइट करना चाह रहा है, तो जल्दी से जल्दी हम उसको वो डेटा दे पाएँ। तो उसके लिए हमारी मल्टीपल एल्गोरिथम होती है। सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये बोलता है कि जो डेटा पहले चाहिए उस जगह पर घुमा दो। उसके बाद सपोज करो मुझे चाहिए था डेटा नंबर वन, अब यहाँ पे नंबरिंग डली हुई है, आप देख रहे हो यहाँ पे नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हो सकता है, हज़ारों में नंबरिंग जा रही हो, क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इस तरीके से नंबरिंग डली होती है सेक्टर के ऊपर, राइट, अलग अलग सेक्टर की। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या कहते हैं कि अगर सपोज करो दो आया पहले, तो दो वाली जगह पे घुमा दो, उसके बाद आया 100 तो 100 वाली जगह पे घुमाओ, फिर आया 50 तो 50 वाली जगह पे घुमाओ, फिर आया 30 तो 30 वाली जगह पे घुमाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगला होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट कहता है कि जो अभी के अभी चाहिए। अब इसको ना इमेजेस से देखोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, और इमेजेस मैंने यहाँ नहीं डाल रखी, लेकिन मैंने इमेजेस के लिए आपको ये लिंक दे रखा है, गीक्स को गीक्स का लिंक है, बढ़िया लिंक है, इस पर जाके हम कर सकते हैं। कि पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि आपको इस ऑर्डर में चाहिए थे, इस ऑर्डर में चाहिए थे 82, 170, 43 इस तरीके से, तो आप पहले 50 पे थे, आप शुरुआत आपने 50 पे की कि मेरा जो हेड था कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा किसी ना किसी जगह पे, तो 50 पे था सपोज करो, 50 से पहले वो गया 82 पे, 82 से 170 पे गया, तो ये तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्पिन करना होता है, हम चाहते हैं स्पिन कम से कम हो, ठीक है, या फिर ये जो देख रहे हो आप zigzag जो लाइन्स हैं ये कम से कम बने लाइन्स, तो इसके अंदर तो आपका देख रहे हो आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अगला है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट कहता है कि हम जीरो से चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और जो जो हमें मिलता जाएगा उस उसको हम देते जाएंगे। तो हम स्टार्ट तो करेंगे 50 से, लेकिन 50 से जब आप जीरो की तरफ जा रहे हो तो रास्ते में जो जो मिल रहा है उसको भी आप एक्सेस करते चलो। तो आपको 43 चाहिए था, 43 आपने वहीं एक्सेस कर लिया, उसके बाद 24 चाहिए था, 24 भी आपने एक्सेस कर लिया, फिर आप इस तरीके से सबसे छोटा जो था वो था 16, 16 पे पहुंच गए। अब 16 पे पहुंच के अब आप आगे बढ़ते जाओगे एक डायरेक्शन में, और जो जो आपको मिलता जाएगा उस उसको आप एक्सेस करते जाओगे। तो इस तरीके से आपका घूमना आपको एक ही बार पड़ेगा, एक या दो बार पड़ेगा बस, आपकी डिस्क पूरे टाइम यूँ 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 नहीं करते रहेगी, ठीक है। तो आप अगला गए 82 पे, 82 के बाद अगला गए आप 140 पे, 140 के बाद 170 एंड देन 190, इस तरीके से आपने सारे सारा डेटा दे दिया। तो देख रहे हो ऊपर जो था उसमें बहुत ज़्यादा घूम रहे थे, नीचे वाले में आप बहुत कम घूमना पड़ रहा है। तो इसके अंदर एवरेज रिस्पांस टाइम डिक्रीज, रिस्पांस टाइम का मतलब ये होता है कि कितने टाइम में मैंने जब एक्सेस करने का रिक्वेस्ट डाला था और कब तक इसने मुझे रिस्पांस ला के दिया है, वो टाइम कितना है, ठीक है, तो वो रिस्पांस टाइम बेसिकली कम हो गया। अगला है स्कैन। स्कैन एल्गोरिथम क्या करती है, स्कैन एल्गोरिथम बोलती है कि मैं यहाँ से पहले राइट में जाऊँगी, फिर मैं लेफ्ट में जाऊँगी, फिर मैं राइट में जाऊँगी, फिर मैं लेफ्ट में जाऊँगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बोल देती है कि ठीक है मैं यहाँ से 50 से चलना स्टार्ट किया मैंने, तो पहले 82 मिल गया इधर, फिर उसके बाद 142 चाहिए था, 142 मिल गया, फिर 170 चाहिए था, फिर 190 चाहिए था, इस तरीके से पूरा पूरा फिर एकदम एंड तक लेके आता है 199। अगर सपोज करो डिस्क को डिस्क में 199 तक नंबर है, लेकिन मुझे सिर्फ रिक्वायरमेंट थी 190 तक, तब भी ये 199 तक लेके जाता है, पूरा एंड तक लेके जाएगा, उसके बाद फिर उल्टा घुमाएगा डिस्क को, ठीक है। अब 199 से उल्टा घुमाना स्टार्ट करेगा और अब मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 43, फिर 24 और फिर 16, इस तरीके से। तो इसके अंदर भी काफ़ी हाई थ्रूपुट होता है। अगला होता है सी स्कैन। सी स्कैन भी स्कैन की तरह ही होता है, लेकिन सी स्कैन बेसिकली करता क्या है, सी स्कैन बोलता है। अब अगला आता है सी स्कैन। सी स्कैन भी स्कैन की तरह ही है, एज इन ये राइट साइड में घूमना स्टार्ट करेगा पहले, लेकिन ये बोलेगा कि सुनो अभी मैं राइट साइड में गया, उसके बाद अब मैं पूरा पूरा लेफ्ट साइड में चले जाऊँगा, लेफ्ट साइड में आते टाइम मैं चीज़ों को स्कैन नहीं करूँगा, मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रहाँगा, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत में काफ़ी सारी रिक्वेस्ट पड़ी हूँ पेंडिंग वाली, राइट साइड में तो अभी मैं गया ही था, अब राइट साइड से सीधा मैं जीरो की तरफ चले जाऊँगा, और जीरो की तरफ जाते टाइम मैं बीच में कुछ भी डेटा स्कैन नहीं करूँगा। जैसा आप देख रहे हो कि ये पहले 50 से 82, फिर 142, फिर इस तरीके से 199 तक गया, उसके बाद जब ये लेफ्ट साइड जाना स्टार्ट हुआ तो लेफ्ट साइड में इसने कुछ भी प्रोसेस नहीं किया, और फिर यहाँ से फिर इसने दोबारा राइट साइड जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
अगला होता है लुक। लुक बेसिकली क्या होता है, लुक एल्गोरिदम के अंदर जिस सिमिलर टू स्कैन डिस्क एल्गोरिदम एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंस दैट द डिस्क आर्म इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू द एंड ऑफ द डिस्क गोज ओनली टू द लास्ट रिक्वेस्टेड। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वे है। ये लुक एल्गोरिदम क्या करती है, बोलती है कि सुनो भाई करना काम मुझे स्कैन की तरह ही है लेकिन मैं एकदम एंड में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब 199 तक आपका नंबर है, हो सकता है आपका नंबर 2000 तक होता तो क्या मैं 2000 तक स्कैन करूं, जबकि रिक्वेस्ट जो थी लास्ट मेरी 190 पे ही खत्म हो गई थी, राइट। तो मैं एकदम एंड में क्यों जाऊं, तो ये 190 से ही रिट्रेस बैक कर लेगा और रिट्रेस बैक करते टाइम दोबारा से बीच बीच में स्कैन करता चलेगा। तो लुक जो है वो स्कैन की तरह है, बस एकदम एंड तक नहीं जाता। सिमिलरली जो सी लुक है वो सी स्कैन की तरह है, बस ये बीच में ट्रेस नहीं करता है, ये भी एंड तक नहीं जाता बस बीच में ट्रेस नहीं करता। जैसे कि आप सी लुक को देख सकते हो, सी लुक इज सिमिलर टू सी स्कैन और बस ये क्या है कि ये एंड तक नहीं जाता, ये बीच में रखता है, जहाँ पर डेटा स्कैन करना उतने तक जाता है, पूरा एंड तक नहीं घुमाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी लुक सी स्कैन स्कैन वगैरह ये सब हो जाता है और इतना ही है। अगर जल्दी से आपको रिवाइज करना है तो एक बार मैं तुरंत जल्दी से रिवाइज भी कर देता हूँ, उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोसेस थ्रेड ये सब क्या होते हैं, फिर मल्टी प्रोसेस मल्टी प्रोग्रामिंग, सब के सब सिमिलर कंसेप्ट होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है सबके अंदर। उसके बाद प्रोसेस की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को जाके हमने देखा, सीपीयू के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को देखा हमने। उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में जाकर देखा कि मल्टीपल प्रोसेस एक साथ अगर किसी चीज़ को एक्सेस करने का ट्राई कर रही है तो क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं जिनसे कि हमारी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बनी रहे। उसके प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज्म देखे, डेडलॉक कैसे होता है, कैसे हैंडलिंग की जाती है उसकी, वो हमने देखा। मेमोरी मैनेजमेंट के तरीके देखे हमने अलग अलग। उसके बाद पेजिंग की बात की हमने और पेजिंग किस तरीके से काम करता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है वो हमने समझा, पेज रिप्लेसमेंट की 2-3 एल्गोरिथम्स को हमने समझा। उसके बाद थ्रैशिंग को भी जाना, थ्रैशिंग कैसे होता है, सेगमेंटेशन को पढ़ा कि एंड में आप लोग सेगमेंटेशन और पेजिंग को एक साथ यूज़ कर रहे होते हो। और उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट को पढ़ा, डिस्क किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन कौन सी होती है, इनकी इमेजेस को आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके जाकर देख सकते हो, गीक्स वीक्स पर चले जाओगे और लिंक के थ्रू थोड़ा जल्दी से समझ में आता है, ठीक है। तो यही होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आपके इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग के अंदर भी, जब वीडियो खत्म हो गई तो इंजीनियरिंग के अंदर भी आई थिंक काफ़ी हद तक आप समझ जाओगे इसको कंसेप्ट को पढ़ के, ठीक है, क्योंकि लिखना तो खुद ही होता है, बाकी रटना होता है काफ़ी सारी चीज़ें, तो रटना है अब आपको। बाकी इंटरव्यू के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसलिए आंसर कर पाओगे। और मुझे बताना कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर और कितनी आपकी हेल्प हुई। इसी के साथ ही अगर यहाँ तक अभी बने हुए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को देना सब्सक्राइब। मैं बोलूँगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में और चलते हैं, बाय बाय।